नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में आप व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। कैसी चल रही है आपकी तैयारी, थोड़ा सा कमेंट माध्यम में बताएँ। और आज की जो ये क्लास है, ये 10 का डोज का सुपर फास्ट रिविजन है। मित्रों, क्या है? सुपर फास्ट रिवीजन है। उम्मीद है आप लोग ओएमआर शीट लेकर के बैठा है। मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़, इसके साथ आनंद और मौज भरे उत्सव जैसे संपूर्ण चित्र की रचना किसने की? तो मंदिर और धर्म स्थलों की बात हो, जहाँ पे उमड़ती भीड़ दर्शाई गई हो, या फिर आनंद और मौज भरे उत्सव की बात हो, क्या ये रचना रवि वर्मा की है, विमान सुंदरम की है, गगनेंद्रनाथ ठाकुर की, या फिर कौवल कृष्ण की है? किसके द्वारा ऐसी रचनाएं बनाई गई? तो मंदिर और धर्म स्थलों पर उमड़ती हुई भीड़ को भारत के पहले घनवादी कलाकार ने दर्शाया। सही जवाब बनेगा गगनेंद्रनाथ ठाकुर। आनंद और मौज भरे उत्सव को भी गगनेंद्र बाबू के द्वारा ही उकेरा गया है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। दो नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा गया ला काम्ब्रेली गुफा और पेरनो पेर गुफा कहाँ स्थित है? दिया गया दक्षिणी फ्रांस में है, पंजाब में है, जापान में है, या फिर स्पेन में है? आपको सही जवाब देना है ला काम्ब्रेली गुफा और जो है पेरनो पेर गुफा की। अगर हम लोग बात करते हैं मित्रों, सही जवाब दक्षिणी फ्रांस बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तीन नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है घोड़े की नालबंदी, द किंग्स और घोड़े की नालबंदी जैसी बढ़िया मूर्तियाँ किसने बनाई? नाम दिया गया के एस कुलकर्णी ने बनाई, धनराज भगत ने बनाई, जयाप्पा स्वामी ने बनाई, या फिर भावेश चंद्र शान्याल के द्वारा बनाई गई? घोड़े की नालबंदी और द किंग्स बहुत अच्छी मूर्तियाँ हैं मित्रों, और इसको प्रख्यात मूर्तिकार धनराज भगत के द्वारा उकेरा गया। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चंस पे। चार नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाएगा जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र और नाव की सवारी जैसी प्रमुख चित्रण किसके द्वारा बनाए गए? नाम दिया गया एडगार माने ने बनाया, विंसेंट वॉन गॉग ने बनाया, तुजुल लात्रेक ने बनाया, या फिर पियर बोनार के द्वारा बनाया गया? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्रण हो, चाहे वो नाव की सवारी हो, बहुत अच्छी रचना है मित्रों और एडगार माने के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब ए के साथ लगा लो। मित्रों, जो लोग डर रहे हैं कि पाश्चात्य, मित्रों टीजीटी आर्ट में हम खास करके आपको बता दें कि टीजीटी आर्ट में जो पाश्चात्य पूछे जा सकते हैं उसको लगभग हमने 10 के डोज में कवर करवा रखा है, और जो बन सकते हैं उनको भी हम कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। पाश्चात्य आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसे नहीं पढ़ाया गया है, फिलहाल हम पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। बस बहुत जल्द आपके बीच पाश्चात्य की भी क्लास रन होगी। सही जवाब इसका एडगार मोने के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पांच नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मित्रों कि कारपेट ऑफ जाय, ये इंस्टॉलेशन है, किस कलाकार ने कारपेट ऑफ जाय को बनाया? नाम भारती खेर का है, हेमा उपाध्याय का है, सुबोध केलकर का है, और अशोक गौड़ का है? आपको बताना है कारपेट ऑफ जाय जैसे इंस्टॉलेशन कौन से कलाकार के द्वारा उकेरे गए? सही जवाब बनता है सुबोध केलकर, डॉक्टर सुबोध केलकर इज द राइट आंसर्स, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। छह नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया ऊंट की खाल पर चित्रांकन कौन सी शैली की विशेषता है? नाम दिया गया कांगड़ा की है, गुलेर की है, होली की है, या फिर बीकानेर की है? मित्रों, ऊंट के खाल पे चित्रांकन कहां किया गया? तो ऊंट के खाल पे चित्रांकन बीकानेर में किया गया। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। सात नंबर क्वेश्चंस है। पूछा गया काला हिरण जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा है किसने चित्रित किया? नाम दिया गया कारिजा ने चित्रित किया, मनोहर ने चित्रित किया, नादिर ने चित्रित किया, या फिर मंसूर के द्वारा चित्रित किया गया? काला हिरण और ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ दृश्य, आपको बताना है कि काला हिरण बढ़िया जैसा दृश्य मनोहर के द्वारा चित्रित किया गया जो आपको ब्रिटिश संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगा लो। आठ नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ। आपसे पूछा गया मित्रों प्रश्न संख्या आठ। कहा जा रहा है तोप खींचते हुए बैल और धोखेबाज पत्नी और तोप खींचते हुए बैल जैसा प्रमुख चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा? नाम दिया गया मिस्किन ने उकेरा है, नाम नान्हा का दिया गया, केशव का दिया गया, और बशामन का दिया गया? आपको सही जवाब देना था तोप खींचता हुआ बैल और धोखेबाज पत्नी का जो फेमस दृश्य है मित्रों मिस्किन के द्वारा बनाया गया। मिस्किन जहां गीर के काल का बढ़िया चितेरा माना जाता है, यह आपको याद रखना है।
जहांगीर के काल का मिस्किन बढ़िया चितेरा है, हालांकि अकबर के काल में भी मिस्किन का नाम आपको दिखाई दे जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कबीर चौरा पंचपुरी गुफा, लक्ष्मण गुफा, विशिष्ट गुफा, रावण द्वार आदि प्रमुख स्थल, ये सब कहाँ बने हुए हैं? नाम दिया गया बाघ में बने हैं, एलोरा में बने हैं, बादामी में बने हैं या फिर जोगी मारा में बने हैं। मित्रों कबीर चौरा की बात हो, पंचपुरी गुफा की बात हो, लक्ष्मण गुफा की बात हो, विशिष्ट गुफा की बात हो, रावण द्वार की बात हो, ये सब के सब आपको दृश्य कहाँ दिखाई देंगे? छत्तीसगढ़ में एक गुफा पाई जाती है सरगुजा रियासत में, नाम होता है जोगी मारा गुफा। सही जवाब डी के साथ लगाना। इसी जोगी मारा गुफा में आपको एशिया की सबसे पुरानी नाट्य साला मिल जाती है, सीता वेगड़ा नाम होता है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। पूछा गया हल की आकृति, सेलखड़ी की मोहरें और मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? नाम दिया गया धौलावीरा से प्राप्त हुआ, लोथल से प्राप्त हुआ, बनवाली से प्राप्त हुआ या फिर रंगपुर से प्राप्त हुआ। मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य पूछा जा रहा है। मित्रों आप जानते हैं मिट्टी का बर्तन या खिलौने जैसा बर्तन या फिर सेलखड़ी की मोहरें या फिर हल का आकृति आपको देखने को मिलता है बनवाली हरियाणा से, तो सही जवाब बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। मित्रों अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कुछ पूछ रहा है, कह रहा है मेरी का पुनर्ग्रहण। मित्रों मेरी का पुनर्ग्रहण या फिर टोलेडो का दृश्य जैसा प्रमुख चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा? और आपको नाम दिया गया गोया ने बनाया, एल गेक्रो ने बनाया, डाली की रचना है या फिर इनमें से कोई नहीं, नाम आया है सामने। मित्रों आप जानते हैं मेरी का पुनर्ग्रहण की बात हो या फिर टोलेडो का दृश्य चित्रण की बात हो, एल गेक्रो के द्वारा बढ़िया से उकेरा गया है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूर्तिकला विभाग में अध्यापन करते थे, अध्यापन मतलब पढ़ाई का कार्य, नाम दिया गया अंकित पटेल ने किया है, जो है पिराजी सागरा ने किया, बालन नामबिया ने किया या फिर अवतार सिंह पवार ने ऐसा किया। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूर्तिकला विभाग में अध्यापन का कार्य कौन किया? सही जवाब अंकित पटेल बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मुर्गा, झरना, नायिका, बुलफाइट, सुजाता, काला घोड़ा, बाउल, बैल जैसे प्रमुख चित्र किसके हैं? नाम दिया गया लीला मुखर्जी के हैं, अमरनाथ सहगल के हैं, अवतार सिंह पवार के हैं या फिर उषा रानी के हैं। मित्रों रचनाएं एक एक रचनाएं कम से कम 5-5, 7-7 कलाकार बनाए हैं, कभी कभी तो 10-10, 12-12 कलाकार बना देते हैं, लेकिन जो कलाकार की फेमस कृति मानी जाती है वही सही जवाब बनता है। यहां बुलफाइट और सुजाता के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, काला घोड़ा भी पूछा गया क्वेश्चन है, अवतार सिंह पवार की बढ़िया रचना है, सही जवाब बी के साथ लगा लेना। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है अपर्णा कौर की कलाकृति तैल रंग मदर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर चित्र किससे प्रभावित थी? नाम दिया गया सरोज पाल गोगी से प्रभावित, अमृता सरगल से प्रभावित, आदिब सुरती से प्रभावित या फिर नंदलाल बोस के द्वारा प्रभावित हैं। अपर्णा कौर की रचनाएं हैं, याद रखना तैलीय रचना है। तैलीय रचना भारत में सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है? रवि वर्मा स्टार्ट करते हैं। तो अपर्णा कौर ने मदर एंड डॉटर बनाया जो आपकी तैलीय रचना है, किसके चित्रों से प्रभावित है? मित्रों और सरदार जो है सुमराव सिंह की पुत्री है, आप जानते हैं उमराव सिंह की पुत्री मात्र 28 वर्ष जीती है लेकिन बहुत अच्छा काम करती है। आप जानते हैं कि इनका जन्म जो है बुडापेस्ट हंगरी में होता है, अमृता सिरगल जी का 1913 में, मृत्यु इनकी लाहौर में होती है 1941 में। भारत में आने का क्रम खूब पूछा जाता है, 1934 में भारत आती हैं लेकिन कारनामे अच्छे किए, सही जवाब सी के साथ लगा लो। अपर्णा कौर का मदर एंड डॉटर चित्र इन्हीं से प्रभावित था, अमृता सिरगल के साथ आंसर सहेजो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया स्वप्ना पटकर, स्वप्ना पटकर ने अतुल काले के निर्देशन में 2015 में एक मराठी फिल्म बालकड़ू का निर्माण किया जो किसके जीवन पर आधारित है? नाम दिया गया रेनी धूमाल, आबिद सुरती, रवि वर्मा या फिर बाल ठाकरे। मित्रों बालकड़ू जैसे नाम आया तो बाल ठाकरे का नाम आपके सामने आ जाना चाहिए क्योंकि ये इन्हीं के ऊपर निर्देशित फिल्म है, 2015 में आती है स्वप्ना पटनाकर ने
अतुल काले के निर्देशन में ये फिल्म कंप्लीट की। तो बाल ठाकरे के ऊपर जब बनी हुई एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाल कड़ू है, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। याद रखना, बाल ठाकरे अपना दैनिक जीवन कैसे स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग में इन्होंने पोस्टर बनाने का काम स्टार्ट किया था। पोस्टर, फिल्मों का पोस्टर बनाते थे, ठीक है, फिल्मों का पोस्टर और चुटकुले लिखने का काम करते थे, उसी से इन्होंने अपना जीवन यापन स्टार्ट किया था। हालांकि आज की डेट में तो महाराष्ट्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों कि स्पेनिश गिटार वादक ओलंपिया जैसे प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाए। नाम पिशारो का है, रेनवार का है, एडगार मोने का है और कामिये कोरे का है। आपसे पूछा गया स्पेनिश गिटार वादक जैसा बढ़िया रचना किसने बनाया, नाम एडगार मोने का आया है, सही जवाब वी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों किस अतियथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्रण पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बना दिया था। नाम दिया गया जान मीरो ने बनाया, डाली ने बनाया, मातिस ने बनाया या फिर मन्नरे के द्वारा ऐसी रचना बनाई गई कि द वॉल ऑफ द मून को भित्तीय रचना बना दें, वो भी पेरिस में यूनेस्को की इमारत पे। मित्रों ऐसा काम जान मीरो के द्वारा किया गया, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है सदाशिव गंगाधर श्रीधर वाकाड़कर ने मूर्तिकला का अध्ययन कहाँ से किया। एसजी श्रीखंडे ने मूर्तिकला का अध्ययन शांति निकेतन से किया, शिल्पकला महाविद्यालय लखनऊ से किया, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स महाराष्ट्र से किया, सॉरी मुंबई से किया, या फिर दिल्ली पॉलिटेक्निक दिल्ली से किया। एसजी श्रीखंडे ने मूर्तिकला का अध्ययन कहाँ से सीखा। मित्रों आप जानते हैं 1911 में वो स्कूल अस्तित्व में आता है और उसके पहले भारतीय प्रिंसिपल 1925 में बनते हैं। नाम क्या होता है स्कूल का, शिल्पकला महाविद्यालय लखनऊ, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लेखक दार्शनिक नाटककार अभिनेता संगीतज्ञ जिनका निधन 1938 में पच्छाघाट के कारण हुआ। नाम गगनेन्द्रनाथ ठाकुर है, सैलोज मुखर्जी है, नंदलाल बोस है या फिर अमृता सिरगल है। लेखक हूँ, दार्शनिक हूँ, नाटककार हूँ, अभिनेता हूँ, संगीतज्ञ हूँ जिनका निधन 1938 में हो जाए, पक्षाघात के कारण हो जाए, भारत के पहले घनवादी चित्रकार हो जाए, भारत के पहले कार्टूनिस्ट हो जाए, नाम आएगा गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। सुनैनी देवी और विनैनी देवी के साथ साथ आउनी बाबू और समरेंद्र जो है समरेंद्रनाथ टैगोर के जो है बड़े भैया हैं, सही जवाब गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा मित्रों किस कलाकार ने 65वें पुण्यतिथि पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी हुआ जिस पर प्रसिद्ध चित्र दमयंती और हंस छपा हुआ है। दमयंती और हंस किसकी रचना है, कुल मिला के ये सीधा सीधा पूछना था। पूछा गया आवनी बाबू की है, असित हालधार की है, किंकर दा की है या फिर राजा रवि वर्मा की है। मित्रों आप जानते हैं कि दमयंती और हंस बहुत अच्छी रचना है, 65वें पुण्यतिथि पे भारत सरकार इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी करती है। केरला किलिमन्नूर में उस कलाकार का जन्म होता है, राज वर्मा उसके चाचा होते हैं और मंगला उनकी सिस्टर होती हैं, जो बहुत अच्छे सभी रचनाकार हैं, नाम बनेगा रवि वर्मा, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों वाकायत ए बाबरी जिसका फारसी भाषा में अनुवाद खान खाना ने किया था, किसकी आत्मकथा है। नाम दिया गया बाबर की है वाकायत ए बाबरी, जहांगीर की है, अकबर की है या फिर औरंगजेब की है। वाकायत ए बाबरी किसकी आत्मकथा है मित्रों, आप जानते हैं कि अकबर की है वाकायत ए बाबरी, फारसी भाषा में अनुवाद होता है, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका जो है अनुवाद किया था। अरे यार फारसी भाषा मुगलों की राजकीय भाषा है और जो बाबर लिखता है अपनी आत्मकथा ये तुर्की भाषा में लिखेगा, बाकी तो सभी सहनशाह अपनी जो आत्मकथा लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, अपनी सभी आत्मकथा लिखेंगे वो सब के सब फारसी में लिखेंगे, क्योंकि मुगलों की जो भाषा होती है राजकीय भाषा जो अपनी वो आधिकारिक लैंग्वेज बनाते हैं वो फारसी को बनाते हैं, लेकिन जो बाबर था मंगोल से आया था तो इसने अपनी जो वाकायत बाबरी को लिखा इसने तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है, तो इसका अनुवाद खान खाना ने किया है वो भी फारसी भाषा में किया। आगे बढ़े, सही जवाब बाबर के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 2 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, 2 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है,
दो नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे, इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी हो सकता जल्दबाजी में गलती हो जाए तो उसे आप सुधार कर लेना, इसलिए आपको कराया जाता है। प्रश्न संख्या दो कहा जा रहा है, 1 अगस्त 1980 को इस महान कलाकार का निधन हो गया। नाम दिया गया रामकिंकर वैज का हुआ, गगनेनाथ ठाकुर का हुआ, राजा रवि वर्मा का हुआ, या फिर अमृता सिरगल का हुआ। 1 अगस्त 1980 को कौन सा कलाकार शांत होता है, किंकर दा के नाम से फेमस होता है, रामकिंकर वैज पूरा नाम होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। तीन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या तीन कह रहा है, 1965 में गिरते हुए शरीर को किसने चित्रित किया। नाम संतोष का है, तैयब मेहता का है, सोमनाथ होर का है, परमानंद चोयल का है। 1965 में गिरते हुए शरीर को किसने चित्रित किया था मित्रों, गिरते हुए शरीर को तैयब मेहता के द्वारा चित्रित किया गया। सही जवाब श्री के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। चार नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया 1978 में कॉमनवेल्थ खेलों के उपलक्ष्य में कॉमनवेल्थ मूर्ति का निर्माण किसने किया। नाम लतिका कट्ट का है, मीरा मुखर्जी का है, विमान सुंदरम और बलबीर सिंह कट्ट को दिया गया है। 1978 के कॉमनवेल्थ गेम की बात होती है, उसकी मूर्ति के बारे में पूछा गया है, बलबीर सिंह कट्ट के द्वारा बनाया गया। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्टिल लाइफ, जयपुर का जंतर मंतर और हाउस ऑफ पार्लियामेंट जैसे प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाए। नाम मोहन शर्मा का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, राम जायसवाल और देवकी नंदन शर्मा का नाम दिया गया। स्टिल लाइफ या फिर जयपुर का जंतर मंतर या फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जैसा बढ़िया चित्र मोहन शर्मा के द्वारा उकेरा गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। छह नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ, ऐसा कथन किसका है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा का, मकबूल फिदा हुसैन का, के हब्बार का, या फिर विमान सुंदरम का। घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ ऐसा कथन जो दिया गया मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा दिया गया। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सात नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विवाह उत्सव, नरजीवन, मवेशी हाट, दीपावली, अजंता जैसे चित्रों को किसने बनाया। नाम दिया गया गीता कपूर, रामकिंकर वैज, के हब्बार, या फिर गगनेनाथ ठाकुर। विवाह उत्सव, नरजीवन, मवेशी हाट, दीपावली, अजंता जैसे बढ़िया रचना किस कलाकार के द्वारा बनाए गए। ये सारे के सारे चित्र जो बनाए गए वो कृष्ण केंटागिरी हब्बार के द्वारा बनाए गए। सही जवाब के हब्बार के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, मुक्तेश्वर मंदिर जो 900 से 1100 ईस्वी में बनता है, जो आकार में सबसे छोटा है, कहाँ स्थित है आपका मुक्तेश्वर मंदिर। दिल्ली में है, लखनऊ में है, पटना में है, या फिर भुवनेश्वर में है। मुक्तेश्वर मंदिर की अगर बात होती है मित्रों, पूरी उड़ीसा में है। सही जवाब भुवनेश्वर बनेगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नौ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, दासियों का समूह किस गुफा में प्राप्त हुआ। नाम बादामी का है, बाघ का है, लोरा का है, शेतनवासल का है। दासियों का समूह पूछा जा रहा है, बादामी से प्राप्त हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया, मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम कहाँ स्थित है। नाम कर्नाटका है, मदुरई है, लखनऊ है, या फिर गोवा है। आप जानते हैं मित्रों कि मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम जो है वो मदुरई में है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, लेडी इन पिंक साड़ी जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया। नाम ध्रुव मिस्त्री का है, यामिनी राय का है, विनोद बिहारी मुखर्जी और बालन नाम बिहार का दिया गया। लेडी इन पिंक साड़ी जैसी बढ़िया रचना भारत के पिकासो यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब यामिनी रंजन राय। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा रंग प्रतंग। मित्रों पूछा गया, रंग प्रसंग पत्रिका के संपादक थे विमान सुंदरम, राय कृष्णदास, नंदलाल बोस, या फिर प्रयाग शुक्ल। रंग प्रसंग पत्रिका जो छपती थी उसके संपादन का काम प्रयाग शुक्ल का रहा है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। तीन नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया, मॉरिशस के गांधी संस्थान का म्यूरल सतीश गुजराल ने कब बनाया। नाम दिया गया, 1975 में बनाया, 1964 में बनाया, 1977 में बनाया, फिर 1963 में बनाया है। मॉरिशस का गांधी संस्थान का जो म्यूरल है प्रख्यात म्यूरलिस्ट सतीश चंद्र गुजराल ने बनाया, वो बनाया 1977 में। तो सही जवाब वी के साथ लगाना।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। चार नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया शिव मुखाकृति जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया। नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, गणेश पाइन का है, ज्योति स्वरूप का है और जगमोहन चोपड़ा का है। शिव मुखाकृति जैसा प्रसिद्ध चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा मित्रों, भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। पांच नंबर क्वेश्चंस है, कह रहा है रामेश्वर ब्रूटा को कला में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया गया। नाम दिया गया 1995 2001 या फिर 2013। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया जाता है रामेश्वर ब्रूटा को मित्रों, कला के योगदान के लिए 2013 में इन्हें दिया गया। सही जवाब डी के साथ लगाओ। छह नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है जीएम शेख सिगाको कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट कब रहे। नाम दिया गया 1987 से 2002 तक रहे, 2002 से 2005 तक रहे, 1995 से 2005 तक रहे या फिर 1999 से 2001 तक रहे। गुलाम मोहम्मद शेख शिकागो कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट के रूप में कब कार्य किए, तो 1987 से 2002 तक कार्य किए। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। सात नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया इच्छाओं का शहर 1992 मदर इंडिया जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया। नाम समीर मंडल का है, नलनी मौलनी का है, दिनकर कौशिक का है और सुधीर पटवर्धन का है। आपसे पूछा गया इच्छाओं का शहर या फिर मदर इंडिया जैसी बढ़िया रचना किसने बनाई। सही जवाब नलनी मौलनी है, सही जवाब सी के साथ है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। आठ नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। पूछा गया राजस्थानी चित्रकला का अभिसार निशा। राजस्थानी चित्रकला और अभिसार निशा जैसा बढ़िया पुस्तक कौन सा लिखेगा। नाम बीसी गुई का है, जेएम अहिवासी का है, रामगोपाल विजयवर्गीय हैं और इनमें से सभी हैं। मित्रों अभिसार निशा और राजस्थानी चित्रकला जैसा बढ़िया पुस्तक कौन सा कलाकार लिखेगा, तो वही लिखेगा जिसका नाम रामगोपाल विजयवर्गीय है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया एडगार देंगा का जन्म 1834 में कहां पर हुआ। नाम इटली का है, जर्मनी का है, ब्राजील का है या फिर पेरिस का है। एडगार देंगा का जन्म 1834 में कहां पर हुआ, सही जवाब बनेगा पेरिस फ्रांस। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा व पृथ्वी, हम मेरी का स्वागत करते हैं, ये सब अच्छे अच्छे चित्र हैं। पूछा गया कौन सा चित्रकार बनाया। नाम दिया गया पाल गुंगवा ने बनाया, नाम आंद्रे वेत्ती का है, वानगो का है और जॉर्ज सोरा का है। चंद्रमा व पृथ्वी या हम मेरी का स्वागत करते हैं या फिर मृतात्मा या फिर रखवाला, ऐसी रचनाएं कौन सा कलाकार बनाएगा। नाम होगा पाल गुंगवा बनाएगा। सही जवाब पाल गुंगवा का है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स है, ए के साथ आंसर्स है जो मित्रों। फिर बढ़ते हैं अपने प्यारे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जंगली स्ट्रॉबेरीज का प्रमुख चित्र कहाँ स्थित है। नाम दिया गया नादिरा बानू ने बनाया, मनोहर ने बनाया, मंसूर ने बनाया या फिर अकारिजा के द्वारा बनाया गया। जंगली स्ट्रॉबेरीज की बात करते हैं तो मित्रों जिसने बाज पक्षी को उकेरा होगा वही कलाकार बनाएगा। नाम उस्ताद मंसूर का है। बी के साथ आपको आंसर सहेजना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। दो नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया रायकृष्ण दास के अनुसार अकबर के काल में लगभग कितने चित्र बने। नाम 10,000 का है, 5,000 का है, 30,000 का है और 20,000 का है। पूछा गया रायकृष्ण दास के अकॉर्डिंग अकबर के काल में लगभग कितने चित्र बने, तो अकबर के काल में मित्रों लगभग 20,000 चित्र बने रायकृष्ण दास के अकॉर्डिंग। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तीन नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मानसून के बाद ऊंटी या फिर एक लड़के की सभी जैसा प्रमुख रचना किसका है। नाम के वेंकटप्पा का है, नंदलाल बोस का है, छितेंद्रनाथ मजूमदार या फिर अर्षित कुमार हालधर का है। मानसून के बाद ऊंटी या फिर एक लड़के का सभी जो बनाया गया वो बनाया गया के वेंकटप्पा के द्वारा, तो सही जवाब ए के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। चार नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है रूपदर्शिका, ललित कला की धारा और अजंता के साथ भारतीय चित्रकला का इतिहास। ये सब पुस्तकें हैं, चाहे रूपदर्शिका का हो, चाहे ललित कला की धारा हो, अजंता की बात हो या फिर भारतीय चित्रकला का इतिहास हो, ये सब पुस्तकें किसने लिखी? नाम दिया गया के जी सुब्रमण्यम ने लिखा, असित कुमार हालदार ने लिखा, भारती खेर ने लिखा या फिर सैलोज मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। सही जवाब क्या होगा मित्रों? सही जवाब आपका असित कुमार हालदार होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस पांच नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया स्वान यानी कुत्तों का चितेरा उपनाम से कौन फेमस है? नाम दिया गया बद्रीनाथ आर्या, सतीश गुजराल, जगमोहन मथोड़िया या फिर कृष्ण खन्ना। मित्रों श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है? तो कुत्तों का चितेरा जगमोहन मथोड़िया हैं। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। छह नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पंख फैलाए गरुड़, ये मूर्ति शिल्प कोटा में है जो है किसके द्वारा बनाई गई? यानी कोटा शैली की है ये पंख फैलाए गरुण। उषा रानी हुजा ने बनाया, महेंद्र पांड्या ने बनाया, रामजी सुतार ने बनाया या फिर नेक चंद्र सैनी के द्वारा पंख फैलाए गरुण को दर्शाया गया। पंख फैलाए गरुण की अगर बात होती है मित्रों तो ये रचना उषा रानी हुजा की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। सात नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सनफ्लावर, सनफ्लावर रेस्टोरेंट, डॉली, गांव की दुकान जैसा प्रमुख चित्र कौन सा चित्रकार बनाता है? नाम मनु पारेख का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, नसरीन मोहम्मदी का है और अनिल सुतार का है। आपको बताना है गांव की दुकान, डॉली, रेस्टोरेंट या फिर सनफ्लावर जैसी रचना किसने बनाई? सही जवाब बनेगा विनोद बिहारी मुखर्जी। सी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आठ नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है गोवर्धन, कल्याणदास, लालचंद, विचित्र, मीर हासिम जैसे प्रमुख चित्रकार किसके दरबार में रहा करते थे? नाम औरंगजेब का है, हुमायूं का है, शाहजहां का है और बाबर का भी नाम दिया गया। गोवर्धन, कल्याणदास, लालचंद, विचित्र, मीर हासिम जैसे बढ़िया बढ़िया चित्रकार किसके काल में रहे? तो मित्रों जिसका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल होगा उसी के काल में फकीर उल्ला खान, समरकंदी, फतेह चंद, आपके मुराद, हुनर ये सब नाम आते हैं। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। नौ नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सबसे बड़ी इमारत अन्नागार का अवशेष कहां से मिला? अन्नागार जहां पे अन्न रखा जाता हो, जहां पे फूड का काम होता हो, नाम सुतका गेंडोर है, कोटदीजी है, लोथल है या फिर मोहनजोदड़ो है? मित्रों आपसे पूछा गया सबसे विशाल अन्नागार कहां से मिला, तो जिसे प्यार से लोग भूतों का टीला या फिर लाशों का ढेर कहते हैं, नाम होता है मोहनजोदड़ो। सही जवाब वही लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया घोटकोपार मुंबई में 1959 में किस कलाकार का जन्म हुआ? नाम भारती खेर का है, अतुल डोंडिया का है, हेमा उपाध्याय और सतीश गुजराल का नाम दिया गया है। घोटकोपार मुंबई में 1959 में कौन सा कलाकार जन्म लेगा? नाम होगा अतुल डोंडिया। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपसे कह रहा है मित्रों कि ओबराय इंटर कॉन्टिनेंटल में दिल्ली ब्लू पॉटरी का निर्माण किया। नाम दिया गया कवल कृष्ण ने किया, जोगेन चौधरी ने किया, गुरुचरण सिंह ने किया या फिर मनु पारेख के द्वारा ऐसा किया गया। ओबेराय इंटर कॉन्टिनेंटल में दिल्ली ब्लू पॉटरी का निर्माण किसने किया? सही जवाब बनेंगे गुरुचरण सिंह। सही जवाब वी के साथ लगाओ, ईंट भट्टे पर भी काम किए हैं गुरुचरण सिंह। सही जवाब वी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस दो नंबर होगा। आपसे पूछ रहा होगा चतुर्थ बुद्ध संगीतियाँ कब आयोजित हुई? नाम वन्ने सॉरी चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात हो रही है। 251 ईसा पूर्व का दिया गया ऑप्शन, 383 ईसा पूर्व का, 483 ईसा पूर्व का या फिर पहली शताब्दी का। आपको नाम दिया गया चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात हो रही है, ईसा की पहली शताब्दी में होती है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। तीन नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ। पूछा गया प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में लिखी जाती है, ऐसी पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया एलन हॉन्ट्रिक बॉन्ड्रिक के द्वारा लिखी गई, पर्सी ब्राउन ने लिखी, जगदीश गुप्ता ने लिखी या फिर डीएच गार्डन के द्वारा लिखी गई। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग जैसी बढ़िया पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब बनेगा एलन हॉन्ट्रिक बॉन्ड्रिक। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा
ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, पूछा गया किशनगढ़ पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है। नाम दिया गया अबुल फजल की है, एरिक डिकन्सन की है, पाल सेनयाक की है या फिर इनमें से कोई नहीं। किशनगढ़ पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है, सही जवाब बनेगा एरिक डिकन्सन। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया शहर का निर्माण, शहर का निर्माण शीर्षक से चित्र किसने बनाया। नाम जॉन मारिन का है, पिकासो का है, डाली का है या फिर गोंगवा का है। आपको बताया गया शहर का निर्माण जैसा शीर्षक से चित्र बनाने का काम किसका रहा, तो जॉन मारिन का ऐसा दृष्टांत रहा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, जॉन मारिन इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। 16 फरवरी 1939 को बंगाल के पूर्वी भाग फरीदपुर जिले में एक छोटे से गांव में ढारपाड़ा में किसका जन्म हुआ। ढारपाड़ा में मनु पारेख का जन्म हुआ, देवलाली कर का जन्म हुआ, जोगेन चौधरी का जन्म हुआ या फिर विकास भट्टाचार्य का 16 फरवरी 1939 को बंगाल में जन्म हुआ। सही जवाब बनेगा जोगेन चौधरी का जन्म हुआ। सही जवाब वी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया अरेबियन नाइट्स और उसके साथ आलिफ लैला, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये आलिफ लैला। आलिफ लैला और अरेबियन नाइट्स जैसी चित्र श्रृंखलाएं किसने तैयार की। नामवनी नाथ टैगोर का है, सरबरी राय चौधरी का है, राजा रवि वर्मा और वी आर खजूरिया का। नाम दिया गया आलिफ लैला और अरेबियन नाइट्स जैसी रचना के लिए बंगाल शैली के जन्मदाता उन्नी नाथ ठाकुर फेमस हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन से मित्रों, कह रहा है निसर्ग, बनारस, विस्थापन, स्कूल डेज जैसे प्रमुख चित्र किसने बनाए। नाम नंदलाल बोस का है, नाम अवधेश मिश्रा का है, मनु पारेख और केके हब्बर का। नाम दिया गया निसर्ग हो, बनारस हो, विस्थापन हो, स्कूल डेज हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। और आप जानते हैं कि ये अयोध्या में जन्मे और लखनऊ में वर्तमान में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे अवधेश मिश्रा की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगा लो, जिनकी बिजूका श्रृंखला इतनी फेमस है मित्रों। बिजूका पूछी गई रचना है, बिजूका याद रखना, 2016 वाला जो पेपर 2019 में हुआ था उसमें सीधा सीधा क्वेश्चंस छपा था। अगले क्वेश्चंस पे चलाएंगे, 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया 2 अक्टूबर 1958 को यूपी के गोरखपुर जिले में बिस्टौली गांव में किस कलाकार का जन्म हुआ। नाम राजेंद्र प्रसाद है, बद्रीनाथ हार्य है, नंदलाल बोस और ध्रुव मिस्त्री का। नाम दिया गया यूपी के गोरखपुर में 1958 में 2 अक्टूबर के दिन कौन सा कलाकार जन्म लेगा। कलाकार का नाम राजेंद्र प्रसाद है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया सखी भाव, ययाति, गुरु जयंती उत्सव जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम भूपेन खक्कर का है, सरवरी राय चौधरी का है, बलवीर सिंह कट और नसरीन मोहम्मदी का। नाम दिया गया आपको बताना है सखी भाव, ययाति या फिर गुरु जयंती उत्सव जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया। सही जवाब भूपेन खक्कर हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया सन 2000 ईस्वी में सोहनी पर द लीजेंड ऑफ सोहनी नामक शीर्षक की श्रृंखला किसने तैयार कर दी। नाम दिया गया अपर्णा कौर ने तैयार की, समीर मंडल ने बनाई, आर के लक्ष्मण ने बनाई या फिर बद्रीनाथ हर्य ने बनाई। मित्रों द लीजेंड ऑफ सोहनी को 2000 में किसने बनाया, अपर्णा कौर के द्वारा बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलाएं, 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है सफेद धागे, सफेद धागे, लॉफिंग फेस, ये सब मित्रों चित्र हैं। पूछा गया लॉफिंग फेस या फिर सफेद धागे जैसे बढ़िया चित्र किसने बनाए। सैलोज मुखर्जी के हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर के हैं, आपसे फिर से रविंद्रनाथ, ये रविंद्रनाथ सिंह लिख लो मित्रों इनके आगे, रविन्द्रनाथ सिंह, रविन्द्रनाथ ठाकुर और नंदलाल बोस का। नाम दिया गया आपको सटीक आंसर देना है। सही जवाब आपका रविन्द्रनाथ टैगोर बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना, सफेद धागे और लॉकिंग फेस जैसी बढ़िया रचना के लिए। हालांकि बी और सी दोनों आंसर्स होना चाहिए, लेकिन एक का नाम हमने चेंज कर दिया है आप जानते हैं, तो रविन्द्रनाथ के साथ आंसर्स लगाओ। आपको सही जवाब बी सी के साथ देना चाहिए था, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे चलें, अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
तीन नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अराई कैंपो कह रहा है अराई कैंपों से 1916 ईस्वी में जापानी तकनीकी किसने सीखी, नाम नंदलाल बोस का है, समरेंद्रनाथ गुप्ता का है, रविंद्रनाथ टैगोर और सैलोज मुखर्जी का नाम दिया गया। अराई कैंपों से 1916 में जापानी तकनीकी किसने सीखी थी मित्रों, सही जवाब मास्टर मोशाय होंगे, सही जवाब नंदलाल बोस होंगे, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलाएं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया अरब की सराय, अरब की सराय और फतेहपुर सीकरी में भित्तीय चित्र किस शासक के काल में या फिर कौन सी कला के द्वारा कौन सा शासक होता है तब बनता है, नाम दिया गया हुमायूं रहा शासक तब जो है अरब की सराय में भित्तीय रचना बनी, दारा शिकोह ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया या फिर अकबर के द्वारा ऐसा किया गया, सही जवाब क्या होगा, अरब की सराय और फतेहपुर सीकरी में भित्तीय चित्र जो है वो बनता है तो अकबर के शासनकाल में बनता है, सही जवाब डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पूछा गया वे बादल खां ने तख्त ए ताउस जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है इसको किसके शासनकाल में बना, नाम दिया गया औरंगाबाद का है, औरंगजेब करो यार इसे, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया, बाबर के द्वारा बनवाया गया, शाहजहां या फिर हुमायूं के द्वारा। तख्ते ताउस की अगर बात होती है, तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन कहा जाता है, शाहजहां के काल में बना, तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, छह नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चिनार वृक्ष का चित्रण किस कलाकार में हुआ, नाम दिया गया मीर हासिम ने बनाया, कल्याण दास ने बनाया, लाल चंद्र ने बनाया या फिर मंसूर के द्वारा चिनार का वृक्ष चित्रित किया गया। चिनार के वृक्ष की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब उस्ताद मंसूर बनते हैं जिन्होंने नीलगाय को बहुत बढ़िया दर्शाया हो, नीलगाय रचना हो, आपकी बाज पक्षी वाली रचना हो, आपकी टर्की कॉक रचना हो, मोर मोरनी रचना हो, वृक्षों का बढ़िया वाला गुलदस्ता हो, ये सब रचनाएं हो, वही बंदा चिनार का वृक्ष का चित्रण करेगा, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, सात नंबर क्वेश्चंस है, पूछा गया यम डमोटी संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित चित्र मुगल सरदार किसने बनाया, कहने का मतलब ये है कि जो पेरिस में चित्र रखा हुआ है यम डमोटी संग्रहालय में, मुगल सरदार नाम है, उसको मीर हासिम ने बनाया, गोवर्धन ने चित्रित किया, बिचत्तर का है या फिर लालचंद का है। मित्रों मुगल सरदार की अगर बात होती है तो ऐसी रचना मीर हासिम के द्वारा बनाई गई है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, आठ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया जंगली स्ट्रॉबेरी जेब्रा नीलगाय जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया, मनोहर मंसूर कारजा और नादिर का नाम दिया गया, सही जवाब जहांगीर के काल का बढ़िया पशु पक्षी चितेरा मंसूर बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। नौ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा गया गाय का वध करता हुआ जकाह, जकाह मतलब होता है कसाई, तो गाय को काटता हुआ कसाई या फिर बहराम और गडेरिया जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया, नाम मीर सैयद अली का है, नानहा का है, बशावन का है और मिशकिन का है, गाय का वध करता हुआ जकाह या फिर बहराम और गडेरिया जैसा बढ़िया रचना मीर सैयद अली ने बनाया है, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलें, पूछा जा रहा है हिंदू विवाह पाठ 1933 में एक पुस्तक लिखी जाती है, ये पूछा गया हिंदू विवाह पाठ पुस्तक किसने लिखी, नाम गिब्सन का है, मुल्क राजानंद का है, परसी ब्राउन और अनिरुद्ध का नाम दिया गया है, सही जवाब आपको देना है हिंदू विवाह पाठ जैसी बढ़िया पुस्तक मुल्क राजानंद के द्वारा लिखी गई, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलाएं, अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अगला क्वेश्चंस मित्रों, 17 सितंबर 2017 को बड़ौदा में किस कलाकार का निधन हो गया, नाम दिया गया मनु पारेख, नागजी पटेल, रवि वर्मा या फिर भूपेन खक्कर, आपको बताना है 17 सितंबर 2017 को बड़ौदा में कौन कलाकार अंतिम सांस लेता है, सही जवाब बनेगा नागजी पटेल, सही जवाब क्या बनेगा नागजी पटेल, सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल का सिस्टन चैपल किसके द्वारा बनाया गया या किसे कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल का सिस्टन चैपल आप किसे कहते हैं, तागदा और दो वर्त को कहेंगे, लास्को को कहेंगे, अल्तामीरा को कहेंगे या फिर पेंडाल को कहेंगे। मित्रों प्रागैतिहासिक काल जहां 30,000 ईसा पूर्व से
आप जानते हैं 3000 ईसा पूर्व तक का दृश्य दिखाई देता है, उसमें आपको बताना है सृष्टन चैपल आप किसे कहते हैं। तो अल्तामीरा को ऐसी जो है उपमा मिल चुकी है, सही जवाब ऋषि के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूबेंस का जन्म 20 जून 1577 को सीजेन डाडाडाट में हुआ, सीजेन कोलंबो में हुआ, सीजेन फ्रांस में हुआ, लाहौर में हुआ, या फिर जर्मनी में सीजेंस पड़ता है। रूबेंस का जन्म 20 जून 1577 को सीजेंस कहाँ पे? जर्मनी में। सीजेंस जर्मनी में हुआ, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है, सिपाही, फार्म, मछली विक्रेता, विश्राम, शक्ति, गोपिका, बांसुरी वादक, माँ और बेटा, वाराणसी, ऐसी प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम श्रीधर खांडे का है, यानी एस जी खांडे का है। नाम सतीश गुजराल का है, कृष्णा रेड्डी, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस हैं, आपको सही जवाब देना है गोपिका, वासुरी वादक, माँ बेटा, वाराणसी, विश्राम, शक्ति, मछली विक्रेता, फार्म, सिपाही। ये सब जो रचना है एस जी श्री खांडे के द्वारा बनाई गई। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, मुस्कुराता हुआ अश्वारोही जो 1624 में बनाई गई रचना है, किस कलाकार ने बनाई? नाम डाली का है, फ्रांस हॉल्स का है, रूबेंस और कांडेस्की का नाम दिया गया है। आपको सही जवाब देना है, सही जवाब फ्रांस हॉल्स का लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाला कलाकार का नाम क्या है? नाम देंगा का है, वॉन गॉग का है, रेनवार और सोरा का नाम दिया गया। बिंदुवादी चित्रण पद्धति को सोरा के द्वारा स्टार्ट किया गया, सही जवाब डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? नाम थियोडर जेरिकाल्ट का है, मोने का है, जाक दाविद का है, और सिलसिली का है। आपको बताना है मेडुसा का बेड़ा बढ़िया रचना है, थियोडर जेरिकाल्ट के साथ आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है पूछा गया, घड़ी बनाने वाले या फिर तोप के साथ सिर लोटस, शिवा, क्रिकेटर, टाइगर ऑन द ब्रिज जैसी प्रमुख रचना किसने बनाई? नाम नंदलाल बोस का है, कंवल कृष्ण का है, भूपेन खक्कर और गणेश पाइने का नाम दिया गया। टाइगर ऑन द ब्रिज हो या फिर तोप के साथ सिर हो या फिर घड़ी बनाने वाला हो, लोटस, शिव, क्रिकेटर जैसी बढ़िया रचना, ये सब के सब भूपेन खक्कर यानी खक्कर दौ के द्वारा बनाई गई। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, पेंटिंग्स, मूर्तिकला, सेरेमिक और उत्कीर्णन सभी में बढ़िया से कुशलता प्राप्त किया हुआ पॉल गार्गिन का जन्म 7 जून 1848 को डाटाडाट में हुआ। नाम जर्मनी का है, पेरिस का है, भारत का है, इनमें से कोई नहीं। पॉल गार्गिन का जन्म आप जानते हैं मित्रों कि पेरिस में होता है, सही जवाब सी के साथ लगाना। 7 जून 1848 का सन याद रखना। कभी कभी ये पूछा गया श्रमिक कला के लिए सबसे बढ़िया कलाकार कौन, तो आपको लगाना होता है पॉल गार्गिन, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड जैसा बढ़िया कला मिस्त्री के द्वारा बनाया गया, वेंजेटाइन में देखने को मिला, असीरिया में मिला, या फिर गोथिक में मिला? किस काल में आपको मानव मुख के साथ पंख धारण किया हुआ सांड का दृश्य देखने को मिलता है? तो मित्रों असीरिया युग में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया सिलेंडर सील का संबंध है, नाम दिया गया मिस्र की कला से, भारतीय कला से, मेसोपोटामिया की कला से, या फिर ईरान की कला से? सिलेंडर सील का जो संबंध है मित्रों मेसोपोटामिया की कला से है, सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, हमारा आकाश एक कांस्य प्रतिमा है जो 1982 में डाडाडाट द्वारा बनाई गई, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। क्या नंदलाल बोस ने हमारा आकाश बनाया, अमरनाथ सहगल ने बनाया, एनएस बेंद्रे ने बनाया, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई? हमारा आकाश जैसी बढ़िया रचना मित्रों अमरनाथ सहगल ने बनाई है, तो सही जवाब सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, पार्थेनन मंदिर जो 432 ईसा पूर्व की रचना है, जिसे इटोनिक्स ने बनाया, कहां है? एथेंस में है, लाहौर में है, थिम्फू में है, या फिर काबुल में?
पार्थेनन मंदिर की बात होती है। पार्थेनन मंदिर जो पूछा गया मित्रों वो एथेंस में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। चार नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है स्टर्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल, ये प्रसिद्ध चित्र है किस कलाकार ने बनाया। नाम भारती खेर का है, अमृता कौर और रविंद्र कौर का है, किक्के हब्बार का है या फिर इनमें से कोई नहीं। स्टॉर्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल, स्टॉर्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया गया मित्रों अमृता कौर और रविंद्र कौर के द्वारा बनाया गया, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। पांच नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। थॉमस हडसन कौन था। नाम दिया गया ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार था, फ्रेंच दृश्य चित्रकार था, ब्रिटिश कला समीक्षक था या फिर सभी था। थॉमस हडसन की अगर बात होती है मित्रों तो ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार के रूप में आप जानते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। छह नंबर क्वेश्चंस है। कह रहा है सराबी, ओलंपिया, बांसुरी वाला, तोते वाली स्त्री या फिर तृण पर भोजन जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया। रेनोवा का नाम है, एदगार माने का नाम है, क्लॉद मोने का नाम है या फिर सेजान का नाम है। सही जवाब बनेगा एदगार माने। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे सात नंबर क्वेश्चन ये रहा। पूछा गया 4 सितंबर 1954 को दिल्ली में एक सिख परिवार में किस कलाकार का जन्म हुआ। नाम अपर्णा कौर है, भारती खेर है, किक्के हब्बार है या फिर अनीश कपूर है। दिल्ली में सिख परिवार में 4 सितंबर 1954 को किसका जन्म हुआ। नाम अपर्णा कौर का होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया मित्रों तुम सबको खुश नहीं रख सकते कैनवास पर तैल रंग की रचना है जो टेट आर्ट गैलरी लंदन में सुरक्षित है किसने बनाया। नाम कंवल कृष्ण का है, राम किंकर वैज का है, जय झरोटिया और भूपेन खक्कर का नाम दिया गया। आपको बताना है कैनवास पर तैल रंग की रचना है टेंट ऑफ गैलरी लंदन में सुरक्षित है किसने बनाया है मित्रों। सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा भूपेन खक्कर के साथ, तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया कार्ड प्लेयर, कोरिया में नरसंहार, ऐसा चित्र किस कलाकार ने बनाया। नाम सेजान का है, पिकासो का है, जॉर्ज ब्राक और इनमें से कोई नहीं। नाम दिया गया कोरिया में नरसंहार हो, कार्ड प्लेयर हो, जैसे बढ़िया बढ़िया चित्र जो बनाए गए मित्रों पाब्लो रुय पिकासो के द्वारा बनाए गए, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया कांडिस्की का जन्म 16 दिसंबर 1866 को डाडाडाट में हुआ। नाम पेरिस का है, लंदन का है, मॉस्को का है और लेबनान का है। कांडिस्की का जन्म 16 दिसंबर 1866 को कहाँ पे हुआ मित्रों। सही जवाब मॉस्को रूस बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया यूपी राज्य ललित कला अकेदमी की स्थापना 2 फरवरी कई जगह मिलता है, कई जगह 8 फरवरी मिलता है। डाडा डाड को लखनऊ में हुआ। नाम 1995 है, 1962 है, 1862 है या फिर 1954 है। आपको सही जवाब देना है 2 या 8 फरवरी को यूपी राज्य ललित कला अकेदमी की स्थापना 1962 में लखनऊ अलीगंज में होती है। अलीगंज लखनऊ में होती है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। दो नंबर क्वेश्चन से कह रहा है 10 मार्च 1934 को भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ हुआ। नाम दिया गया दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ, मुंबई में हुआ या फिर बंगाल में हुआ। 10 मार्च 1934 को भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ हुआ मित्रों। सही जवाब मुंबई बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा गया 14 जून 2001 को किस महान कलाकार का निधन हो गया। नाम दिया गया नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रवि वर्मा या फिर एस जी श्रीखांडे। 14 जून 2001 को कौन सा कलाकार अंतिम सांस लेता है। एस जी श्रीखांडे लेते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पिशाचिनियों की सभा किसकी करती है। नाम पिशारो का है, गोया का है, सेजान का है और पिकासो का है। पिशाचिनियों की सभा किसकी करती है मित्रों। पिशाचिनियों की सभा जैसी बढ़िया रचना गोया की है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है। नाम सिमाबुए का है, ब्राक का है, ज्योतियो का है और डाली का है। इटली की चित्रकला का जो फादर है मित्रों उसका नाम सिमाबुए है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिलते हैं। नाम दिया गया लगास में मिलेंगे, कोल्डिया में मिलेंगे, एरिद्दू में मिलेंगे या फिर उर में मिलेंगे। सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर का अवशेष कहाँ दिखाई देता है। सही जवाब बनेगा इरिद्दू। सही जवाब वी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। पूछा गया 27 मार्च 2021 को जय झरोटिया का डाडाडार शहर में निधन हो गया। नाम लखनऊ का है, फरीदाबाद का है,
पटना का है और गोवा का है। 27 मार्च 2021 को जय झरोटिया का किस शहर में निधन हुआ? नाम फरीदाबाद होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है देवयानी कृष्ण का जन्म 1910 ईस्वी में डाडाडाट पे हुआ, जिन्होंने अल्लाह श्रृंखला बनाई। देवयानी कृष्ण की अल्लाह श्रृंखला फेमस है। इंदौर में इनका जन्म हुआ मित्रों, कानपुर में हुआ, पटना में हुआ या फिर दिल्ली में हुआ? देवयानी कृष्ण 1910 में कहाँ? तो सही जवाब इंदौर होगा। इंदौर मध्य प्रदेश सही जवाब होगा। अल्लाह श्रृंखला फेमस रचना है। अगले क्वेश्चंस पे चलो। अगला क्वेश्चंस कह रहा है आपसे मिस्री के प्राचीन शासक कहलाते थे, या मिस्र के प्राचीन, इजिप्ट के प्राचीन शासक फराउन कहलाते थे, पोप कहलाते थे, सम्राट या फिर धर्मनेता क्या कहलाते थे? तो मिस्र के जो पुराने शासक थे मित्रों, उन्हें फराउन कहते थे। सही जवाब फर्श के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, 11 मई 2015 को अल्जीरियस की महिलाओं की नीलामी 179.4 मिलियन डॉलर या फिर 1100 करोड़ रुपए में पेंटिंग बिकी। ये किसकी थी? ब्रांग की थी अल्जीरियस की महिलाएं, मोने की थी, डॉली की थी या फिर पिकासो की थी? मित्रों 1100 करोड़ की डीलिंग हुई है पाब्लो रुई पिकासो की एक पेंटिंग, नाम है क्या? अल्जीरियस की महिला। सही जवाब डी के साथ बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव। मित्रों शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाम भीमबेटका का है, होशंगाबाद का है, पंचमढ़ी और जो मिर्जापुर का नाम दिया गया पंचमढ़ी होता है। मित्रों शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव का दृश्य पंचमढ़ी से ही मिला है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। भावेश चंद्र सान्याल की आत्मकथा है द वर्टिकल वुमेन, द वर्टिकल वुमेन किसने प्रकाशित किया गया था? नाम अकादमी ऑफ दिल्ली का है, डोंगरा आर्ट गैलरी का है, ललित कला दिल्ली का है या फिर भारत भवन का है? भावेश चंद्र सान्याल जिन्हें शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है, द वर्टिकल वुमेन किसने प्रकाशित किया? वर्टिकल वुमेन जो है ललित कला अकादमी के द्वारा प्रकाशित होगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया धौलाधर पर्वत श्रृंखला किस कलाकार की चित्र रचना है? नाम दिया गया भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, कृष्ण खन्ना की है या फिर अर्पिता सिंह की है? धौलाधर पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं, सही जवाब भावेश चंद्र सान्याल हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलो। पूछा गया विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? लखनऊ में, मऊ में, दिल्ली में या फिर राजगीर में? विश्व का शांति स्तूप पूछा गया है मित्रों, आप जानते हैं राजगीर बिहार में स्थित है। सही जवाब जो है बिहार में, आंसर्स बनाओ, राजगीर स्थान दो। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? नाम पटना का है, लाहौर का है, अजमेर का है, लंदन का है? शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया? सही जवाब बनेगा अजमेर में बनवाया। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस पूछ रहा है लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नाम औरंगजेब का है, बाबर का है, हुमायूं का है, इनमें से कोई नहीं। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण है मित्रों, आप जानते हैं कि वो शाहजहां का पुत्र होता है औरंगजेब, बहुत क्रूर शासक, उसने बनवाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया असित कुमार हालदार का जन्म 10 सितंबर 1890 को कहां हुआ? दिल्ली, गोवा, कोलकाता और लखनऊ का नाम दिया गया। सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब कोलकाता बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। इटालियन कलाकार गिलहर्डी किसके आरंभिक कला गुरु थे? नाम दिया गया खक्कर, आवनी बाबू, अर्पिता सिंह और किंकरदा का नाम दिया गया। इटालियन कलाकार गिलहर्डी किसके आरंभिक कलाकार गुरु होते हैं? सही जवाब आवनी बाबू बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया किस कलाकार के चित्रण के विषय अधिकांशतया महिलाएँ होती थीं? नाम डी पी राय चौधरी का है, क्षितिनाथ मजूमदार का है, शैलेन नाड्डे और विमान सुंदरम का नाम दिया गया। किस कलाकार के चित्रण के विषय अधिकांशतया लाई हुई हैं? सही जवाब डी पी राय चौधरी बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चंस। डाटर ऑफ द सॉयल मूर्ति किस कलाकार ने बनाया? नाम कनु देसाई है, सुधीर रंजन खास्तगीर है, सैलोज मुखर्जी और के वेंकटप्पा का नाम दिया गया। डाटर ऑफ द सॉयल मूर्ति किस कलाकार ने बनाया मित्रों? ये रहा। पूछा गया आपसे कि रूप अग्नि इंदिरा गांधी का छवि ये किसने बनाया? चाहे रूप अग्नि रचना हो, चाहे इंदिरा गांधी का छवि। पूछा गया भूपेन खक्कर की रचना है, जूडी वलम रेड्डी की रचना है, जीएम संतोष की है या फिर मीरा मुखर्जी की रचना है? मित्रों आपको बताना था इंदिरा गांधी का छवि या फिर रूप अग्नि, ये बढ़िया रचना है मित्रों और इसको जीएम संतोष के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब
जीएम संतोष के साथ लगाओ वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आप जानते हैं मित्रों आपकी परीक्षा में समसामयिक कलाकारों का महत्वपूर्ण बोलबाला है, यहाँ से 35 से 40 क्वेश्चंस कभी कभी 50-50 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन्हें आपको करने का हर हाल में प्रयास करना ही करना है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया भारतीय नृत्य या फिर फेस्टिवल इन अ स्लम जैसा प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया। नाम दिया गया कि के हब्बर ने बनाया, तैयब मेहता ने बनाया, जे स्वामीनाथन ने बनाया या फिर कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाया गया। आपको बताना है मित्रों भारतीय नृत्य या फेस्टिवल इन अ स्लम की बात होती है, ऐसी रचना जो बनाई गई बढ़िया रचना है कृष्ण कैंटागिरी हब्बर के द्वारा बनाई गई। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपसे पूछा गया बॉम्बे ग्रुप की स्थापना डाटा डाट को मुंबई में हुई थी। नाम दिया गया 1962 में हुई, 1957 में हुई, 1950 में हुई या फिर 1946 में हुई। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना पूछी जा रही है मित्रों, आप जानते हैं बॉम्बे ग्रुप जो स्थापित होता है ये मुंबई में स्थापित होता है और कब होता है 1957 में होता है, तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किसने बस्तर, बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों से डोकरा कास्टिंग, डोकरा कास्टिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया। नाम दिया गया नागजी पटेल ने सीखा, महेंद्र पांड्या ने सीखा, राघव कनेरिया ने सीखा या फिर मीरा मुखर्जी ने डोकरा कास्टिंग का प्रशिक्षण बस्तर छत्तीसगढ़ के जनजातियों से सीखा है। मित्रों ऐसा कारनामा डोकरा कास्टिंग सीखने का काम मीरा मुखर्जी का रहा है, वो भी जनजातियों से सीखे, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों नादिरा बेगम को 1641-42 में एक मुरक्का यानी चित्रधारा किसने भेंट किया। नाम दिया गया दारा शिकोह ने भेंट किया, अकबर ने भेंट किया, हुमायूं ने किया या फिर जहांगीर के द्वारा ऐसा किया गया। अब नादिरा बेगम जिसकी पत्नी होंगी वही भेंट करेगा ना, तो ये दारा शिकोह के द्वारा भेंट किया जाता है। दारा शिकोह आप जानते हैं कि शाहजहां का पुत्र होता है, औरंगजेब का भाई होता है, औरंगजेब दारा शिकोह का सर काट के शाहजहां को भेंट करता है, ये भी याद रखना। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। 40 चित्रों का एक संग्रह था, उसको मुरक्का इसने नाम दिया जिसे चित्रधारा भी कहा जाता है। मंगोलिया की जो आधिकारिक भाषा होती थी आप जानते हैं फारसी होती थी, तो उसमें जो है इसने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। सही जवाब दारा शिकोह लगाना, अपनी जो है पत्नी को जो है ऐसा मुरक्का इसने भेंट किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है अलवर को या अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल, शीश महल के भित्तीय चित्र किसने बनाए। नाम दिया गया शहाबुद्दीन ने बनाया, रघुनाथ राय ने बनाया, डालू राम ने बनाया या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो अलवर राजस्थान वाला है उसका शीश महल का भित्तीय रचना किसके द्वारा मेंटेन किया गया। मित्रों जो भित्तीय रचना है उसको डालूराम के द्वारा अलवर में शीश महल में मेंटेन किया गया, तो सही जवाब वी के साथ देना होगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नेत्रेडम, कैथेड्रल ऑफ नेत्रेडम स्थित है कहाँ पे, एम्स्टर्डम में है, पेरिस में है, वर्सा में है या फिर बर्लिन में। कैथेड्रल ऑफ नेत्रेडम की अगर बात होती है मित्रों ये कहाँ पाया जाता है, आप जानते हैं पेरिस फ्रांस में पाया जाता है, तो सही जवाब सी के साथ बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान पे होते थे। नाम दिया गया राजभवन में थे, पूजा गृह में थे, समाधि में थे या फिर पाषाण स्तंभ में थे। मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान होते थे। मित्रों कला के केंद्र की अगर बात होती है तो पूजा गृह में होते थे, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मित्रों मिर्जापुर क्षेत्र का खोजकर्ता कौन था। नाम दिया गया कार्लाइल थे, मनोरंजन घोष थे, डीएच गार्डन या फिर एंडरसन थे। मिर्जापुर क्षेत्र की खोजकर्ता की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं कार्लाइल महोदय ने इसे खोजा है, तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाओ, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है। नाम दिया गया आकर्षण है, रेखांकन है, अलंकारिकता है या फिर प्रकृति चित्रण है। मित्रों आपसे पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या है, और आप जानते हैं प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रण बने थे इसमें जो है रेखाओं पे खूब ज्यादा काम किया गया, तो रेखांकन बहुत अच्छी रही है, सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है अब्दुल रहीम चौधरी या फिर अब्दुल रहमान चौधरी किसके शिष्य थे। नाम दिया गया ए एन टैगोर, ई वी हेवेल, नंदलाल बोस या फिर अमनी रंजन राय। आप जानते हैं मित्रों कि अब्दुल रहमान चौधरी वास विधा जो सीखते हैं वास चित्रण, वो
अवनींद्रनाथ टैगोर से सीखते हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? नाम डीपी राय चौधरी का है, ए आर चौधरी का है, शैलेंद्रनाथ टैगोर के अखबार का दिया गया। भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है, आप जानते हैं शैलेंद्रनाथ टैगोर ने इस पुस्तक को लिखा है, सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तीन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? नाम दिया गया नंदलाल बोस से प्राप्त किया, सर्वजी राय चौधरी से प्राप्त किया, के हेबार से प्राप्त किया, या फिर हिरणमय राय चौधरी से प्राप्त किया। डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था? मूर्तिकला में अगर प्रशिक्षण की बात होती है, हिरणमय राय चौधरी से इन्होंने मूर्तिकारी सीखी है। और आप जानते हैं कि डीपी राय चौधरी ही हैं जो मद्रास कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं, और जो इनकी उपलब्धि होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि होती है, वो मूर्तिकार के रूप में ही होती है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आता है चार नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है या कलाकार कौन है? नाम दिया गया उषी गांगुली की है, नंदलाल बोस की है, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल की है, या फिर ओंका कूरा की है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट की अगर बात होती है मित्रों, तो आप जानते हैं आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक जो लिखी जाती है वो ओंका कूरा के द्वारा लिखी जाती है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज कहानी, ये राज कहानी नामक बंगला साहित्य किसने लिखा? नाम दिया गया अवनी बाबू ने लिखा, सुनैना देवी ने लिखा, गणेश पाइने ने लिखा, या फिर क्षितिनाथ मजूमदार के द्वारा राज कहानी को लिखा गया। राज कहानी की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं भारत में वाष्य चित्रण के जो पितामह होते हैं, नाम अवनी बाबू होता है, उन्हीं के द्वारा बांग्ला साहित्य में लिखा गया राज कहानी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? नाम ईश्वरी प्रसाद का है, सेवकराम का है, राजा रवि वर्मा है, या फिर जयराम दास है। भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? आपको यही बताना है मित्रों, अंग्रेजी शैली में किसने चित्र बनाया? नाम राजा रवि वर्मा का आएगा, सही जवाब वी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलते हैं? नाम दिया गया कुल्लू शैली, गढ़वाल शैली, मंडी शैली, या फिर कंपनी शैली। स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंद्राकार तिलक कौन सी शैली में दिखाई देते हैं? ऐसे तिलक आपको गढ़वाल शैली में दिखाई देंगे। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में पाया जाता है? नाम 16 नंबर गुफा, 2 नंबर गुफा, 10 नंबर गुफा, या फिर 17 नंबर गुफा है। आप जानते हैं मित्रों कि भिक्षुक बुद्ध को अजंता में कहां दर्शाया गया है? 17 नंबर गुफा में दर्शाया गया। अजंता मतलब कहां पे? अजंता 30 गुफाओं के साथ महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया रंगों का सम्राट, रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? नाम नंदलाल बोस का है, अब्दुल रहमान जगुतई का है, मकबूल फिदा हुसैन, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस हैं। रंगों का सम्राट कौन कहलाता है? आप जानते हैं ए आर चौधरी कहलाता है, जो वास विधा के लिए बढ़िया कलाकार माना जाता है और अवनी बाबू का चेला अपने आप को कहता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कहा जा रहा है किसके द्वारा चित्र द राइजिंग ऑफ फ्रांस, द राइजिंग ऑफ फ्रांस किसके द्वारा बनाया गया? पीटर पॉल रूबेंस का चित्र है, रेम्ब्रांस वान राइन का चित्र है, फ्रांस हाल्स ने बनाया, या फिर कैरिजियो के द्वारा द राइजिंग ऑफ फ्रांस को दर्शाया गया। द राइजिंग ऑफ फ्रांस की अगर बात होती है, पीटर पॉल रूबेंस के साथ आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया मित्रों फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? नाम दिया गया रामदास, सूरदास, जतिन दास, या फिर श्यामदास। नंदिता दास की बात होती है, कौन से चित्रकार की पुत्री हैं? आप जानते हैं मित्रों, नंदिता दास जो है वो जतिन दास की पुत्री हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया चित्रकला म्यूरल और स्थापत्य कला में या समान अधिकार से कार्य करने वाला कलाकार कौन सा रहा? चित्रकार हो, म्यूरल हो, म्यूरल के लिए काम करता हो, स्थापना कला में भी बहुत अच्छा काम करता हो, नाम एम एफ हुसैन होगा, अकबर पदमशी होगा, के एस कुलकर्णी होगा, या फिर सतीश चंद गुजराल होगा। आप जानते हैं मित्रों, जैसे म्यूरल शब्द आता है, एक नाम दिमाग में घुस जाता है कि सतीश चंद गुजराल ने म्यूरलिस्ट का काम किया। सही जवाब जो है वो डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यूपी में किस स्थान पे ब्लैक पॉटरी फेमस होती है? नाम चुनार का है, लखनऊ का है, रामपुर का है, निजामाबाद का है। मित्रों ब्लैक पॉटरी के लिए आप जानते हैं कि यूपी का निजामाबाद फेमस है, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कृष्टि क्या है? हस्त निर्मित कागज है, तैल चित्रण तकनीकी है, कलाकृतियों का नीलामी घर है, या फिर फोटोग्राफ में प्रयुक्त फिल्टर है। मित्रों अगर क्रिस्टी की बात होती है, आप जानते हैं कि क्रिस्टी जो है कलाकृतियों की नीलामी घर को कहते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पांच नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भरहूत स्तूप संबंधित है शुंग काल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से, या फिर कुषाण काल से। भरहूत स्तूप की अगर बात होती है, इसका संबंध शुंग काल से होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छह नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया आयरन पिलर कहाँ स्थित है? नाम दिया गया मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, या फिर दिल्ली में है। आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? आयरन पिलर की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं कि ये आपके दिल्ली में है। सही जवाब डी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों कि अंबालाल रहमान का जन्म 1860 ईस्वी में कोल्हापुर में हुआ। इनकी कला की शिक्षा हुई लखनऊ कला विद्यालय से, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से, जयपुर कला विद्यालय से, या फिर कोलकाता के शांति निकेतन से। अंबालाल रहमान के जन्म की बात होती है 1860 में होता है। कोल्हापुर कहां पड़ता है? कोल्हापुर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, मुंबई में है मित्रों। वहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। इन लोगों ने जो कला की शिक्षा ग्रहण की अंबालाल रहमान ने, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में ग्रहण की। सही जवाब ऋषि के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आठ नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? नाम दिया गया नुजूमुल उलूम चित्रित किया गया, दीवाने हाफी चित्रित किया गया, तारीफ़े हुसैन शाही सर की जो है चित्रित किया गया, या फिर रजनामा का चित्रण हुआ। सचित्र पोथी की बात होती है, गोलकुंडा की पोथी है, आप जानते हैं 1610 से 1620 के मध्य हुई है, उसका नाम दीवाने हाफिज है। सही जवाब दीवाने हाफिज के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? नाम जयशंकर प्रसाद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, फ्रायड हैं, या फिर क्रोंचे हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ऐसा कथन किसका है? ऐसा कथन जो दिया गया बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित किया गया? नाम दिया गया लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया, ड्यूरर ने चित्रित किया, टर्नर का है, या फिर रॉफेल का है। मैरिज ऑफ वर्जिन के चित्रण की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं रॉफेल की रचना है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। रॉफेल इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, भीमबेटका गुफा की खोज हुई। नाम दिया गया 1955 में हुई, 1959 में हुई, 1958 या फिर 1971 का नाम दिया गया। भीमबेटका की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं 1958 में वाकाड़कर साहब खोजते हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित है? नाम दिया गया बेल्लारी, सिंघनपुर, बांदा, या फिर होशंगाबाद। जिराफ समूह की अगर बात होती है तो इसकी खोज कहां होती है मित्रों? जिराफ समूह का अंकन कहां दिखाई देता है? आपको होशंगाबाद में दिखाई देता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कृष्ण खन्ना का जन्म 1925 में लायलपुर डाडाडाट में हुआ। नाम दिया गया दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, गोवा में हुआ, या फिर बंगाल में हुआ। कृष्ण खन्ना के जन्म की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं पंजाब में होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पंचमणि के ज्यादातर चित्र किस रंग में बनाए गए? नाम लाल रंग का है, काला रंग का है, सफेद रंग का है, या फिर नीला रंग का है। पंचमणि के ज्यादातर चित्र किस रंग में बनाए गए, आपसे यह पूछा जा रहा है। आप जानते हैं पंचमणि के ज्यादातर चित्र सफेद रंग में बनाए गए, तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया 21 फरवरी 2015 को मृणालिनी मुखर्जी की मृत्यु 65 वर्ष की आयु में हो गई। वो लखनऊ में हुई, बंगाल में हुई, गोवा में हुई, या फिर न्यू दिल्ली में हुई। आप जानते हैं मित्रों, मृणालिनी मुखर्जी 21 फरवरी 2015 को अंतिम सांस लेती हैं नई दिल्ली में। तो सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार था, नाम दिया गया बशामन था, अब्दुल समीद सिराजी था, या मिस्किन था, या फिर मीर सैयद अली था। मित्रों निपुण पक्षी चित्रकार के बारे में पूछा जा रहा है। अकबर के दरबार का बढ़िया पक्षी चित्रकार कौन रहा है? अकबर के दरबार का बढ़िया पक्षी चित्रकार मिस्किन रहा है। अगर आपसे अकबर के बाद इसका पुत्र आता है जहांगीर, जहांगीर के काल का अगर आप देखते हैं तो उसके काल में सबसे बढ़िया पक्षी चितेरा, पशु चितेरा, या फिर पुष्पों का चितेरा मंसूर कहलाता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है मित्रों शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन का पोस्टर किसने बनाया था? नाम मंजीत बाबा का है, अकबर पदमसी का है, कृष्ण खन्ना और कृष्णा रेड्डी का है। बैंडेड क्वीन का पोस्टर आपसे पूछा जा रहा है, सही जवाब मंजीत बाबा के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है रीटेक ऑफ अमृता सिरगल श्रृंखला किसने तैयार की? नाम ज्योति भट्ट का है, विमान सुंदरम का है, गणेश पाइने और भूपेन खक्कर का नाम दिया गया। रीटेक ऑफ अमृता सिरगल की अगर बात होती है, सही जवाब विमान सुंदरम के साथ जाता है, सही जवाब सी के साथ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, पूछा गया मित्रों ब्लू पोल्स यानी नीला खंभा किसकी रचना है? नाम जैक्सन पोलार्क का है, विमान सुंदरम का है, कॉन्स्टेबल का है या फिर टर्नर महोदय का है। ब्लू पोल्स की अगर बात होती है, नीला खंभा की अगर बात होती है मित्रों, जैक्सन पोलार्क का नाम आता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया शिव और सती की यात्रा जैसा प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम मुकुल चंडे का है, राजा रवि वर्मा का है, शारदा चरण उकील और अंजू डोंडिया का नाम दिया गया। शिव और सती की यात्रा जैसा बढ़िया चित्र शारदा चरण उकील के द्वारा बनाया गया, तो सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया अवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? परसी ब्राउन, असित कुमार हालदार, डॉक्टर जगदीश गुप्ता और मनोरंजन घोष का नाम दिया गया। अवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक पूछा गया, आप जानते हैं मित्रों ऐसी पुस्तक असित कुमार हालदार की है, सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया 6.1 मीटर ऊंची प्रतिमा त्रिमूर्ति कहां पर पाई जाती है? नाम दिया गया एलिफेंटा में है, सिगरिया में है, एलोरा में है या फिर बाघ में है। त्रिमूर्ति अगर बात होती है मित्रों, 6.1 मीटर ऊंची प्रतिमा है, लगभग 20 फुट की ये प्रतिमा है मित्रों, और ये जो पाई जाती है धारापुरी में पाई जाती है। धारापुरी कहाँ पे है? धारापुरी एलिफेंटा में है, जो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है, बिल्कुल समुद्र में है, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया सन सिटी और ब्लू सिटी को किस शहर से जोड़ा जाता है या किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, रायपुर, जोधपुर या फिर बुंदेलखंड का नाम दिया गया। सन सिटी और ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? सन सिटी और ब्लू सिटी जो है जोधपुर को कहा जाता है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, पूछा गया निहाल चंद, भवानी दास, सूरत राम किस शैली के बढ़िया चित्र है? नाम दिया गया जयपुर का, जोधपुर का, बूंदी का और किशनगढ़ का नाम दिया गया। निहाल चंद, भवानी दास, सूरत राम, ये सब कौन सी शैली के बढ़िया चित्र हैं मित्रों? तो ये सब के सब बनी ठनी वाली शैली के हैं, यानी किशनगढ़ शैली के हैं, तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, अगला क्वेश्चंस कह रहा है शकुंतला कैनवास पर तैलिया रंग की रचना है किस कलाकार ने बनाई? नाम रवि वर्मा का है, जाकिर का है, नंदलाल बोस का है और सैलोज मुखर्जी का है। शकुंतला कैनवास पर तैलिया रंग की रचना है, कौन सा कलाकार बनाएगा मित्रों? सही जवाब राजा रवि वर्मा बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पीसी मानक ने पटना शैली को कब खोजा? नाम दिया गया 1815 में खोजा, 1847 में खोजा, 1947 में खोजा या फिर 1943 में खोजा। पीसी मानक ने पटना शैली को ही आप कंपनी शैली, जौन शैली या फिरंगी शैली कहते हैं मित्रों, इसकी खोज आप जानते हैं 1943 में होती है, सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? नाम दिया गया मकबूल फिदा हुसैन थे, के हब्बर थे, नंदलाल बोस थे या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी थे। 20वीं सदी के सबसे प्रख्यात, सबसे प्रसिद्ध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय कलाकार कौन है मित्रों? तो भारतीय कलाकार का जो नाम आएगा, वो नाम आपका आएगा मकबूल फिदा हुसैन के साथ, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 102 वर्ष की उम्र में दिल्ली में 9 अगस्त 2003 को कौन सा कलाकार अंतिम सांस लेता है? नाम दिया गया नीरज मजूमदार, नाम बीसी सान्याल का है, कृष्ण खन्ना और एनएस बेंद्रे का नाम दिया गया। 102 वर्ष की उम्र में दिल्ली में आपसे पूछा जा रहा है 2003 में कौन से कलाकार की मृत्यु होती है? सही जवाब बनेगा भावेश चंद्र सान्याल के साथ, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, अगला क्वेश्चंस 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों बेरोजगार उड़ान जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया सतीश गुजराल ने बनाया, एनएस बेंद्रे ने बनाया, राम कुमार ने बनाया फिर नंदलाल बोस ने बनाया। बेरोजगार उड़ान जैसा बढ़िया चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा मित्रों? सही जवाब राम कुमार होंगे, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा।
अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों राघव कनेरिया का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प शाण, शाण किस माध्यम में है? नाम दिया गया सीमेंट माध्यम में है, टेराकोटा माध्यम में है, लकड़ी में है या फिर इनमें से कोई नहीं। राघव कनेरिया की एक बहुत अच्छी रचना शाण है मित्रों, और शाण को राघव कनेरिया ने टेराकोटा में बनाया था। तो सही जवाब टेराकोटा के साथ देना, सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा गया मित्रों 12 संतों की प्रतिमा जैसा प्रसिद्ध रचना किस कलाकार का है? नाम ब्राक का है, टर्नर का है, कांस्टेबल का है या फिर माइकल एंजेलो का है। 12 संतों की जो प्रतिमा है मित्रों, वो जो बनाई गई माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई। सही जवाब डी के साथ दो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोट्रोडम, कैथेड्रल ऑफ नोट्रोडम स्थित है। नाम दिया गया एक्सटर्डम में है, पेरिस में है, वर्सा में है या फिर वर्लिन में है। सही जवाब बनेगा पेरिस में है, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा गया आपका घंटाई मंदिर कहाँ स्थित है? घंटाई मंदिर के लिए खजुराहो है, मऊ है, लखनऊ है, झांसी है। आप जानते हैं मित्रों जो घंटाई मंदिर है वो खजुराहो में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया एफ फॉसेट ने वायनाड की अटकल की गुफा को कब प्रकाश में लाया था? नाम दिया गया 1930 में लाए, 1801 में लाए, 1947 में लाए या फिर 1901 में लाए। एफ फॉसेट ने वायनाडकल की अटकल की गुफा को कब खोजा था मित्रों? आप जानते हैं 1901 में खोजा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। वायनाड की अटकल जो है वो केरला वाली है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आओ, पूछा गया काशी में किस पुस्तक को करोड़ों की बाइबल कहा जाता है? नाम दिया गया रामचरितमानस को, कल्पसूत्र को, चित्रसूत्र को या फिर मेघदूत को। काशी में किस पुस्तक को करोड़ों की बाइबल कहलाता है? करोड़ों की बाइबल जो कही जाती है मित्रों काशी में, वो रामचरितमानस कही जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन थे? नाम बाण भट्ट का है, क्षमेंद्र का है, भट्ट नायक और शशंकु का नाम दिया गया। बृहद कथा मंजरी के लेखक आपसे पूछे गए, आप जानते हैं क्षमेंद्र की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चंस कह रहा है केसीएस पणिक्कर के कलागुरु कौन थे? नाम दिया गया जानकी रामन थे, जीएम शेख थे, डीपी राय चौधरी या फिर तैयब मेहता का नाम आता है। केसीएस पणिक्कर के कलागुरु कौन थे? आप जानते हैं केसीएस पणिक्कर के कलागुरु देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है मित्रों रखवाला मृतात्मा, रखवाला मृतात्मा या फिर चंद्रमा और पृथ्वी जैसा प्रसिद्ध चित्र कौन से चित्रकार ने बनाया? नाम पॉल गॉर्गिन का दिया गया, एडवर्ड मोने का दिया गया, रेनोवो का दिया गया और पाब्लो पिकासो का दिया गया। रखवाला और चंद्रमा जैसे पृथ्वी जैसे रचनाओं को किस कलाकार ने उकेला? तो सही जवाब पॉल गॉर्गिन है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, जानकी रमण का है, जीएम शेख और डीपी राय चौधरी का आया। लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया गया गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाया गया। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चंस कह रहा है तुलसी पूजन संथाल मल्लाह, संथाल मल्लाह जैसा बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम यामिनी रंजन राय का है, सैलोज मुखर्जी, अमृता सिरगल और के अहबार का दिया गया। तुलसी पूजन संथाल मल्लाह जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है भारत के पिकासो यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का चित्र है? नाम हैदराबाद का है, अहमदनगर का है, गोलकुंडा और बीजापुर का नाम दिया गया। लेडी स्मोकिंग हुक्का की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब गोलकुंडा बनेगा, सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है निजामुद्दीन के मेले में जैसा प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम बी सी सान्याल का है, गोपाल घोष का है, हेमंत मिश्रा और के अचारा का नाम दिया गया। निजामुद्दीन का मेला जैसा बढ़िया रचना जो बनाया जाता है भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा बनाया जाता है, जो 103 वर्ष जिंदा रहते हैं, याद रखना। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया भारत सरकार ने किक्के हेब्बर को पद्मश्री से कब नवाजा? नाम दिया गया 1981 में नवाजा, 1961 में नवाजा, 1986 या फिर 1910 में नवाजा। किक्के हेब्बर को पद्मश्री कब देती है भारत सरकार? वो देती है 1961 में। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिल्प रत्न पुस्तक के लेखक हैं? नाम दिया गया विशाख दत्त हैं, भवभूति हैं, भद्रबाहु हैं या फिर श्री कुमार हैं।
शिल्प रत्न जैसी बढ़िया पुस्तक को श्री कुमार के द्वारा लिखा गया? सही जवाब डी के साथ बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया इमैनुअल कांट थे, नाम दिया गया फ्रांस दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे, जर्मन दार्शनिक थे या फिर इनमें से कोई नहीं। इमैनुअल कांट की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं जर्मन दार्शनिक के रूप में प्रसिद्धि है इन्हें, तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहता है, नाम दिया गया क्रोची ने ऐसा कथन दिया, सुकरात का कथन है, वात्स्यायन का है या फिर रस्किन महोदय का है। कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहता है, ऐसी परिभाषा जो दी गई वो सुकरात महोदय के द्वारा दी गई। सही जवाब सी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ये पुस्तक है मित्रों 1938 में लिखी गई, इसके रचनाकार कौन है, नाम दिया गया गणेश पाइने हैं, बाम गार्टन है, कलिंगवुड है या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जैसी पुस्तक के रचनाकार कौन है मित्रों? सही जवाब जो बनेगा वो कलिंगवुड बनेगा, तो कलिंगवुड के साथ आंसर्स दो, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया मित्रों वासिली कॉन्डिंस्की था, नाम दिया गया विव्यंजनावादी था, अमूर्तवादी था, घनवादी था या फिर ए और बी दोनों था। वासिली कॉन्डिंस्की की अगर बात होती है मित्रों, तो सही जवाब अभिव्यंजनावादी और अमूर्तवादी होगा, यानी सही जवाब ए और बी दोनों होगा। सी के साथ आंसर सहेजो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया सूरजमुखी का चित्र किसने बनाया था, नाम दिया गया रेनवार ने बनाया, मुंख ने बनाया, डेंगा ने बनाया या फिर वॉन गॉग की रचना है। सूरजमुखी का चित्र जैसा बढ़िया चित्र वॉन गॉग के द्वारा उकेरा गया, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया भारत का प्रथम कार्टूनिस्ट कौन था, नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर परमजीत सिंह। आपसे पूछा गया भारत का प्रथम कार्टूनिस्ट कौन था मित्रों? सही जवाब गगनेन्द्रनाथ टैगोर बनेंगे, सही जवाब सी के साथ बनेंगे, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस मित्रों, एसजी श्रीखांडे को कला गुरु कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है एसजी श्रीखांडे के कला गुरु कौन रहे हैं, नाम नेकचंद सैनी का है, अमृता सरगल का है, नंदलाल बोस और अवतार सिंह पवार का नाम दिया गया। एसजी श्रीखांडे के कला गुरु कौन थे, आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जानते हैं एसजी श्रीखांडे के कला गुरु कौन रहे, अवतार सिंह पवार रहे, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूपलेखा, ये पुस्तक है मित्रों रूपलेखा हो या फिर भारतीय चित्रांकन, भारतीय चित्रांकन और रूपलेखा ये दोनों पुस्तकें राम कुमार विश्वकर्मा ने लिखी कि साखौलकर ने लिखी, चमन सिंह ने लिखी या फिर मनु पारेख की है। रूपलेखा या फिर भारतीय चित्रांकन, ये दोनों पुस्तकें बहुत अच्छी पुस्तकें हैं और राम कुमार विश्वकर्मा के द्वारा लिखी जाती हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस कहता है जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में था, राम कुमार था, फ्रांसिस नूडन सूजा थे, कृपाल सिंह शेखावत थे या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे थे। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान पृष्ठभूमि में कौन रहा है मित्रों? अगर पुनरुत्थान की बात होती है, कृपाल सिंह शेखावत का नाम ईमानदारी के साथ लिया जाता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया बनारस में शाम, बनारस में शाम को किसने चित्रित किया, मनु पारेख, तैयब मेहता, एन एस बेंद्रे या फिर विमान सुंदरम। बनारस में शाम जैसी बढ़िया चित्रण को मित्रों मनु पारेख के द्वारा चित्रित किया गया, तो आपको सटीक आंसर जो देना है वो फर्स्ट के साथ देना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया बैलगाड़ी की यात्रा और गिरगिट जैसा बढ़िया चित्र के चित्रकार ने बनाया, नाम गोवर्धन लाल जोशी का है, के जी सुब्रमण्यम का है, देवकी नंदन शर्मा और बिमल दास का नाम दिया गया। बैलगाड़ी की यात्रा हो या फिर गिरगिट हो, बढ़िया रचना है मित्रों, दोनों की दोनों रचनाएं देवकी नंदन शर्मा के द्वारा बनाई गई। सही जवाब वी के साथ लगाना। यही देवकी नंदन शर्मा पक्षियों के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी कौवा रचना और तोता रचना बहुत फेमस है मित्रों। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सरोज पाल गोगी ने प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कामधेनु का सुंदर चित्रण कब किया, नाम दिया गया 1980 में किया,
नाम दिया गया गोगी सरोजपाल ने 1989 में किया, 1970 में किया या फिर 1993 में किया। कामधेनु जैसी बढ़िया रचना के लिए गोगी सरोजपाल ने कौन सा सत्र चुना? मित्रों सन का नाम 1989 है, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बालकड़ू फिल्म, बालकड़ू फिल्म ने बाल ठाकरे का रोल किस कलाकार ने निभाया था? नाम दिया गया अक्षय कुमार ने निभाया, अनिल कपूर ने निभाया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया या फिर इनमें से कोई नहीं। बालकड़ू फिल्म आप जानते हैं बाल ठाकरे के जीवन पर आधारित है, इसमें बाल ठाकरे की भूमिका किसने निभाई थी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा निभाई गई थी, सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, मशीन एनकाउंटर, मशीन एनकाउंटर चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम ए रामचंद्रन का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, परमानंद चोयल और इनमें से कोई नहीं। नाम दिया गया मशीन एनकाउंटर जैसा चित्र कौन सा चित्रकार बनाएगा? मित्रों सही जवाब ए रामचंद्रन होंगे, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएंगे, ए इज द राइट आंसर बनेगा। मशीन इनकाउंटर जैसा बढ़िया चित्र ए रामचंद्रन का है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। मित्रों अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट हो, रॉकेट सीरीज हो, ये सब बढ़िया चित्र हैं, पूछा गया कौन सा चित्रकार बनाएगा? नाम ए एन एस बिंद्रे का दिया गया, नारायण श्रीधर बिंद्रे का दिया गया। अच्छा, ये नारायण श्रीधर हैं, ए एन एस बिंद्रे हैं, उसके साथ के हब्बर का नाम है और सहवाग चोपड़ा का नाम आपको दिया गया है। मित्रों फॉरेस्ट और रॉकेट सीरीज जैसी बढ़िया रचना जो बनाई गई वो एन एस बेंद्रे के द्वारा बनाई गई, नारायण श्रीधर बेंद्रे ने उसे बनाई, सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईद का चांद, ईद का चांद जैसा बढ़िया चित्र कौन सा चित्रकार बनाया है? नाम शारदा चरण वकील का है, मनीषी डे का है, सुधीर रंजन खास्तगीर और कनु देसाई का नाम दिया गया। ईद का चांद जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? सही जवाब शारदा चरण वकील के द्वारा बनाया गया, सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। मित्रों अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया बसोहली शैली का स्वर्ण काल था मेदिनीपाल का समय, राजा भोगपाल का समय, कृपाल पाल का समय या फिर इनमें से कोई नहीं। बसोहली शैली जो लोक कला पर आधारित शैली है उसका स्वर्ण युग यानी सबसे बढ़िया बढ़िया उत्कृष्ट चित्र किसके काल में बने? राजा कृपाल पाल के, सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया गैलेक्सी ऑफ म्यूजिनियंस, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिनियंस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग्स है? नाम नंदलाल बोस का है, राजा रवि वर्मा का है, किक्के हबार और विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम दिया गया। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब राजा रवि वर्मा बनता है, सही जवाब शी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई? नाम दिया गया राजा रवि वर्मा ने बनाई, डी पी राय चौधरी ने बनाई, शैलेंद्र नाथ डे फिर क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाई गई। दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा आप जानते हैं गांधी जी के द्वारा जुड़ी हुई है और गांधी जी से जिसका बढ़िया संबंध रहा होगा, सही जवाब डीपी राय चौधरी होंगे, सही जवाब बी के साथ जाएगा। मित्रों बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? नाम दिया गया सैलोज मुखर्जी, के वेंकटप्पा, समरेंद्र नाथ डे या फिर नंदलाल बोस। मित्रों बंगाल का मंसूर कहने का मतलब है मंसूर एक अच्छा पक्षी पशु और प्रकृति को चित्रित करता था यानी फूलों को चित्रित करता था, तो बंगाल का मंसूर कहने का जो तात्पर्य है वो के वेंकटप्पा से है क्योंकि के वेंकटप्पा ने भी ऐसी रचनाएं बनाई हैं, तो सही जवाब शी के साथ लगाओ, ऐसी उपमा के वेंकटप्पा को प्राप्त है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया चौपाटी, चौपाटी, पतझड़, ये जैसे बढ़िया चित्र किस कलाकार ने बनाए? नाम एस एच रजा का है, एम एफ हुसैन का है, के एच आरा और बी सी सान्याल का नाम दिया गया। चौपाटी और पतझड़ जैसा बढ़िया चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा? सही जवाब सैयद हैदर रजा हो जाएगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया नई दिल्ली में गैलेक्सी 26 की स्थापना किसने की थी? नाम राम कुमार का है, बी सी सान्याल का है, मनु पारेख और नीरज मजूमदार का नाम दिया गया। गैलेक्सी 26 की स्थापना की बात हो रही है, सही जवाब भावेश चंद्र सान्याल बनेंगे, सही जवाब शी के साथ बनेंगे।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया अनीस कपूर को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया। नाम दिया गया 2010 में, 2016 में, 2012 या फिर 2020। अनीस कपूर को भारत सरकार पद्म भूषण देती है, जो तीसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, कौन से सन में देती है। मित्रों सन का नाम 2012 है, सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया बीमार की देखभाल करती मदर टेरेसा, बीमार की देखभाल करती मदर टेरेसा जैसा बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाया। नाम विकास भट्टाचार्य का है, नाम गणेश पाइन का है, नाम मंजीत बाबा का है और नाम अंजलि इलामेनन का है। आपको बताना है बीमार की देखभाल कर रही हैं मदर टेरेसा, इनको बढ़िया से किसने उकेर दिया। सही जवाब अंजलि इलामेनन है, सही जवाब डी के साथ है, डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन की चलप चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया एक सिंह वाला अश्व, एक सिंह वाला अश्व का चित्रण हुआ। नाम दिया गया लास्को में है, बाघ में है, कामबोरेली में है या फिर मांटेस्पान में है। आपको बताना है एक सिंह वाला अश्व का दृश्य कहां दिखाया गया है, लास्को की गुफा में दर्शाया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया स्मृति की निरंतरता, स्मृति की निरंतरता नामक चित्र के चित्रकार हैं। नाम दिया गया सल्वाडोर डाली हैं, पाब्लो पिकासो हैं, टर्नर महोदय हैं या फिर एडवर्ड मंक हैं। स्मृति की निरंतरता जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया। सही जवाब सल्वाडोर डाली के साथ जाएगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा गया बलबीर सिंह कट्ट के कलागुरु कौन थे। नाम अंकित पटेल का है, पीटी रेड्डी का है, रामकिंकर वैस का है और तैयब मेहता का नाम दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट के कलागुरु कौन थे मित्रों, तो बलबीर सिंह कट्ट के जो कलागुरु रहे हैं गुरुजी का नाम रामकिंकर वैस है। सही जवाब वी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया धरती की मिट्टी, धरती की मिट्टी और आग जैसा बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाया। नाम परमानंद चोयल का है, ज्योति स्वरूप का है, जीएल जोशी का है और पीटी रेड्डी का है। धरती की मिट्टी और आग जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है पीएन चोयल के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया परसी ब्राउन ज्योति ओसी गांगुली कौतूहल जैसे बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाए। नाम दिया गया रामकिंकर वैज ने बनाया, नाम दिया गया केजी सुब्रमण्यम ने बनाया, नाम सैलेन नाथ डे का भी है और डीपी राय चौधरी का भी है। परसी ब्राउन ज्योति ओसी गांगुली कौतूहल जैसे बढ़िया चित्रों को जो बनाने का काम रहा है मित्रों वो डीपी राय चौधरी का रहा है। तो सही जवाब देवी प्रसाद राय चौधरी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया मित्रों एलोरा की कौन सी गुफा को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। नाम दिया गया 25वीं गुफा, 14वीं गुफा, 15वीं गुफा, 12वीं गुफा। मित्रों रावण की खाई के नाम से एलोरा की कौन सी गुफा जानी जाती है, गुफा का नाम 14वीं गुफा है। याद रखना एलोरा में कितनी गुफाएं पाई जाती हैं, 34 गुफाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर है एलोरा, आपके महाराष्ट्र प्रांत में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर है, आपके औरंगाबाद में है, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किसकी मूर्ति स्थापित है। नाम दिया गया भगवान शिव हैं, भगवान गणेश हैं, भगवान विष्णु हैं या फिर ऋषभदेव हैं। लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किसकी मूर्ति आपको दिखाई देगी। गर्भगृह की अगर बात होती है भगवान विष्णु आपको दिखाई देंगे। सही जवाब वी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों प्रेतों का टीला किस नगर का उपनाम है। नाम लोथल का है, कालीबंगन का है, मोहन जोदड़ो और पीलीबंगा का नाम दिया गया। प्रेतों का टीला जो कहा जाता है मित्रों वो मुर्दों का घर कहो या फिर लाशों का निवास स्थल कहो या फिर प्रेतों का टीला कहो या फिर भूतों का टीला कहो। नाम आपका मोहन जोदाड़ो होगा, सही जवाब मोहन जोदाड़ो लगाना। जिसकी खोज 1922 में जिसका उत्खनन आरडी बनर्जी ने लरखाना प्रांत सिंधु नदी के किनारे किया था। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
पूछा गया भारत माता सावित्री राधा कृष्ण मीरा वट अर्चना जैसा बढ़िया चित्र किस कलाकार ने बनाया। नाम कन्नू देसाई का है, शारदा चरण उकील का है, के वेंगटप्पा का है और मृणालिनी मुखर्जी का नाम दिया गया है। आपको सही जवाब देना है मित्रों। सही जवाब कन्नू देसाई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया स्त्री बच्चों से खेलते हुए नामक व्यक्ति चित्र या नामक बढ़िया चित्र कौन सी शैली का है। नाम किशनगढ़ शैली का है, नाथद्वारा शैली का है, बीकानेर शैली और बूंदी शैली का नाम दिया गया। स्त्री बच्चे से खेल रहा है ऐसा दृश्य दर्शाया गया है। ऐसा मार्मिक दृश्य बीकानेर शैली में दर्शाया गया। सही जवाब वी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया इको आफा सॉन्ग चित्र किस चित्रकार ने बनाया। नाम हेमंत मिश्रा का है, के चारा का है, रथिन मित्रा का है, सैयद हैदर रजा का है। इको आफा सॉन्ग जैसा बढ़िया चित्र कौन सा चित्रकार। सही जवाब हेमंत मिश्र के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया दुपट्टों में तीन औरतें या फिर लालटेन जैसा बढ़िया चित्र प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाया। नाम जी एम संतोष का है, अकबर पद्मसी का है, बी सी सान्याल और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। दुपट्टे में तीन औरतें बढ़िया रचना है मित्रों, उसके साथ लालटेन जैसी बढ़िया रचना मकबूल फिदा हुसैन के साथ बनाया गया। मकबूल फिदा हुसैन वही कलाकार हैं जो कहते थे मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। घोड़े रचना जिनकी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। टोटल 12 फिल्मों का निर्माण भी मकबूल फिदा हुसैन ने किया था। भारत के सबसे ज्यादा विवादित कलाकार जो रहे हैं वो आपके मकबूल फिदा हुसैन ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीम जरासंघ वर्षा बिहार जैसा प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाया। नाम जार्ज कीट का है, सैलोज मुखर्जी का है, प्रदोष दास गुप्ता का है और अमृता सिरगल का नाम दिया गया। भीम जरासंघ वर्षा बिहार जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है जार्ज कीट के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीला खंभा जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया जो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रखा है। नाम जान कांस्टेबल का है, वैसली कॉन्डिस्की का है, जैक्सन पोलार्क और ईशा विल का नाम दिया गया। नीला खंभा जैसा बढ़िया चित्र किस चित्रकार ने बनाया जो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है। ऐसी रचना नीला खंभा वाली आपके जैक्सन पोलार्क के द्वारा बनाई गई। सही जवाब वी के साथ लगाओ। वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1936 में वोट आंदा पद्मा नामक काष्ठ चित्र किसने बनाया था। नाम दिया गया देवलालीकर ने बनाया, मृणालिनी मुखर्जी ने बनाया, रवि वर्मा ने बनाया या फिर रविंद्रनाथ चक्रवर्ती के द्वारा वोट आंदा पद्मा को बनाया गया। वोट आंदा पद्मा बढ़िया रचना है मित्रों और रविंद्रनाथ चक्रवर्ती की ही रचना मानी जाती है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिराक मिर्जा घियात मुख्य वास्तुकार हैं हुमायूं के गुम्बद का, कानपुर के रेलवे स्टेशन का, लखनऊ चारबाग का या फिर लाल किला का। मिराक मिर्जा घियात की अगर बात होती है मुख्य चित्रकार जो हैं वो हुमायूं के गुम्बद के हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गगनेंद्रनाथ टैगोर, मुकुल चंडे, चंचल बनर्जी और महेंद्र पांड्या ने कौन सी छापा नहीं की। नाम दिया गया गगनेंद्रनाथ टैगोर छापाकार नहीं है, मुकुल चंडे छापाकार नहीं है, महेंद्र पांड्या नहीं या फिर चंचल बनर्जी छापाकार नहीं है। आपको 4-5 नाम दिए गए, इसमें से एक नाम छापाकार के रूप में नहीं है मित्रों। इसमें से महेंद्र पांड्या जो है वो छापाकार के रूप में नहीं है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। सही जवाब बी के साथ बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया वंस अपान अ टाइम कलाकृति है। नाम दिया गया बी एन आर्या की है, राय कृष्ण दास की है, जी आर संतोष की है या फिर आर एस विष्ट की है। वंस अपान अ टाइम जैसी बढ़िया कलाकृति किसके द्वारा बनाई गई। सही जवाब बद्रीनाथ आर्या के द्वारा बनाई गई। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है। 10 अप्रैल 22 मार्च 15 मार्च या फिर 15 अप्रैल। वर्ल्ड आर्ट डे की बात होती है, विश्व कला दिवस की बात होती है, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था। नाम दिया गया 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी। थियोडोर रूसो की बात होती है, कौन सी शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार होता है। सही जवाब बनेगा 19वीं शताब्दी, सही जवाब डी के साथ आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन। नाम रमेश राणा का है, अवतार सिंह पवार का है, सरयू दोषी और राम सुतार का। नाम दिया गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन। सही जवाब सरयू दोषी, सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमाश लोक नृत्य, तमाश लोक नृत्य जैसा बढ़िया चित्र किस कलाकार ने बनाया। नाम के हब्बार का है, नाम सतीश गुजराल का है, नाम एन एस बेंद्रे का है और नाम राम किंकर बैच का भी है। तमाश लोक नृत्य जैसा बढ़िया चित्र कौन सा कलाकार बनाएगा। मित्रों सही जवाब के हब्बार हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ हैं, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ, ए के साथ आंसर सहेजो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा गया मित्रों लीडा और हंस जैसा बढ़िया चित्र कौन सा। लीडा और हंस जैसा प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया। तो लीडा और हंस के लिए लियोनार्डो दा विंची फेमस हैं, माइकल एंजिलो हैं, राफेल हैं या फिर टर्सिया हैं। लीडा और हंस आप जानते हैं किसकी रचना है, लियोनार्डो दा विंची की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन जुलाई 2020 में कहां हुआ। लखनऊ में, जयपुर में, बड़ोदरा में या फिर कानपुर में। ज्योत्सना भट्ट जुलाई 2020 में अंतिम सांस कहां लेती हैं, बड़ोदरा में लेती हैं। सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। ग्रह युद्ध की पूर्व सूचना किसने चित्रित किया। नाम दिया गया जान मीरो ने चित्रित किया, आंद्रो वेत्तो ने चित्रित किया, मैक्स ऑर्नेस्ट ने चित्रित किया या फिर सल्वाडोर डाली की रचना है। ग्रह युद्ध की पूर्व की सूचना, ग्रह युद्ध के पूर्व की सूचना की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब बनता है सल्वाडोर डाली, सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अपने प्यारे अगले क्वेश्चंस पे। कह रहा है मित्रों तांबे की हाथी की मूर्ति, तांबे के गहने की मूर्ति, तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ। नाम दैमाबाद का है, धौलावीरा का है, बनवाली का है और मोहनजोदाड़ो का है। आपको बताना है तांबा का हाथी, तांबा गैड़ा, तांबे का रथ जैसा बढ़िया चित्र कहाँ दैमाबाद में मिला। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया महादेव बाजार गुफा में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ जो स्थित है। नाम बांदा में है, पंचमढ़ी में है, भीमबेटका में है या फिर बेल्लारी में है। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया मित्रों किसने अपनी कला को जनतंत्रवादी कला कहा। नाम कुरुबे का है, पिकासो का है, पिसारो का है या फिर डाली का है। जनतंत्रवादी कला किसने अपनी कला को कहा, कुरुबे महोदय ने कहा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। नाम दिया गया नील नदी, सिंधु नदी, यांगत्से नदी या फिर यूफ्रेटस नदी। सुमेरियन सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है। सही जवाब यूफ्रेटस नदी बनता है, सही जवाब डी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया मित्रों काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे। नाम मिस्र युग की बात हो रही है, रोम की बात हो रही है, यूनार और वेंजेटाइन की बात भी हो रही है। काली आकृति वाली शैली के चित्र कौन से युग में दिखाई देते हैं। युग का नाम यूनान होता है, सही जवाब वी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख हो, बनारस हो, शिमला हो, ये सब सीरीज किस कलाकार ने बनाई। नाम राम कुमार का है, रमेश्वर ब्रूटा का है, देवयानी कृष्ण और प्राणनाथ मांगो का। नाम दिया गया लद्दाख, बनारस, शिमला जैसी बढ़िया सीरीज किसने बनाई। सही जवाब राम कुमार के साथ बनेगा, सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मनसा देवी, मनसा देवी हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, पालित मृग हो, संत हरिदास हो, ये सब बढ़िया चित्र हैं किस कलाकार ने बनाए। नाम असित कुमार हालधार का है, नाम क्षितिनाथ मजूमदार का है, के वेंकटप्पा और इनमें से कोई नहीं नाम दिया गया। मनसा देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, पालित मृग, संत हरिदास जैसे बढ़िया बढ़िया चित्र जो है वो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाए गए। सही जवाब सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया वंडर ऑफ द आइस,
ये चित्रकार किसको जाता है? नर्टर ने बनाया, लियोनार्डो ने बनाया, कांस्टेबल की रचना या फिर मार्टिनी की रचना है? वंडर ऑफ द एज किस चित्रकार को कहा जाता है? वंडर ऑफ द एज की अगर बात होती है, लियोनार्डो द विंची को ऐसी उपमा प्राप्त है। सही जवाब सी के साथ बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चले मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है निकोलस रोरिक कितने ग्रंथों की रचना करते हैं? नाम दिया गया 27 ग्रंथ, 10 ग्रंथ, 40 ग्रंथ या फिर 60 ग्रंथ। निकोलस रोरिक की बात होती है कितने ग्रंथ लिखते हैं? 27 ग्रंथ लिखते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा मित्रों, ए के साथ आंसर सहेजो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया सैलोज मुखर्जी के शिष्य कौन थे? नाम राजा रवि वर्मा, जाजगीट, नंदलाल बोस या फिर रामकुमार का नाम दिया गया। सैलोज मुखर्जी के शिष्य कौन थे यह आपसे पूछा जा रहा है। सही जवाब राम कुमार के साथ जाएगा, सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार नामक आत्मकथा किसकी है? चित्रकार नामक आत्मकथा शैलेंद्र डे की है, के हबार की है, जामिनी रंजन राय की है या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी की चित्रकार जैसी आत्मकथा है? मित्रों विनोद बिहारी मुखर्जी मृणालिनी मुखर्जी के फादर हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, उनकी जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी है वो चित्रकार नाम से है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मिरोज ब्लैक बेल हो या फिर स्नान का घाट हो, ये सब बढ़िया रचना है, किसने बनाई? नाम डीपी राय चौधरी का है, सैलोज मुखर्जी का है, राम किंकर वैज का है या फिर आवनी बाबू का है? मिरोज ब्लैक बेल की बात हो, स्नान के घाट की बात हो, ये सब बढ़िया चित्र हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाए। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है आपसे माधव राव की सहायता से राजा रवि वर्मा ने घाट को पार मुंबई में लिथियोग्राफी प्रेस की स्थापना कब की? 1994 में, 1894 में, 1984 में या फिर 1566 में? लिथियोग्राफी प्रेस की बात हो रही है, माधव राव की सहायता से राजा रवि वर्मा ने घाटों पार मुंबई में स्थापित किया था। सही जवाब बनेगा 1894, सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मुगल काल में प्रत्येक रंग में काला रंग मिलाने को क्या कहते हैं? नाम दिया गया बुत्थाकर कहते हैं, जो है बुता रंग कहते हैं, काली स्याही कहते हैं, सिल्का कहते हैं या फिर कोलाज कहते हैं? मुगल काल में प्रत्येक रंग में आप काला रंग मिला लो, उसे प्यार से लोग जो है बुता रंग कहेंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाना, ए इज द राइट आंसर लगाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया सिराजी जुदाई फारूक बेग किस दरबार के बढ़िया चित्रकार हैं? नाम बाबर का है, अकबर का है, शाहजहां का है, औरंगजेब का है? सिराजी हों, मीर ख्वाजा अबू समद सिराजी हों, मीर सैयद अली हों, आपके जुदाई हों, फारूक बेग हों, ये सब बढ़िया चित्रकार रहे हैं, किसके दरबार के? सही जवाब बनेगा अकबर के दरबार के। आप जानते हैं अकबर के दरबार में मीर सैयद अली हैं, दसवंत हैं, मिस्किन हैं, फारूक बेग हैं, बसामन हैं, मुकुंद हैं, अली हैं, उसके साथ सिराजी हैं, तो ये सब नाम आपके अकबर के दरबार के रहे हैं। सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया उकड़ू अवस्था में बैठा सिंह किस काल में बनाया गया? नाम मौर्य काल है, खारवेल है, गुप्त है या फिर अंग्रेज है? मित्रों उकड़ू अवस्था में बैठा हुआ सिंह जो दर्शाया गया, गुप्त ईरा में दर्शाया गया। सही जवाब वी के साथ जाएगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 फरवरी 1963 ईस्वी को दारागंज प्रयागराज में किसका जन्म हुआ? नाम सैलोज मुखर्जी है, नंदलाल बोस है, जयराम है, अभिनव गुप्त है? आप जानते हैं दारागंज प्रयागराज में 2 फरवरी 1963 को किसका जन्म हुआ? अभिनव गुप्ता का जन्म हुआ। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है मित्रों हुसैन के अर्थ श्रृंखला के 125 चित्रों को किसने खरीदा था? नाम दिया गया नंदलाल बोस ने खरीदा, फाजिला ने खरीदा, रूप श्रीवास्तव ने खरीदा या फिर फ्रांसिस नोडन सूजा ने खरीदा? हुसैन के अर्थ श्रृंखला के यानी पृथ्वी वाले श्रृंखला के, भू वाले श्रृंखला के 125 चित्रों को किसने खरीदा था? स्वरूप श्रीवास्तव ने खरीदा था। सही जवाब वी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया गोपाल घोष के गुरु का नाम क्या था? नाम आवनी बाबू है, कृष्ण खन्ना है, रवि वर्मा या फिर तैयब मेहता का नाम दिया गया? गोपाल घोष के कला गुरु कौन है? गोपाल घोष के कला गुरु का नाम आवनी बाबू होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों।
अगला क्वेश्चन साहब से पूछ रहा है, निहाल चंद्र के चित्रकार पिता कौन थे? नाम बदन सिंह का है, मूल राज का है, राज सिंह का है या फिर अनूप सिंह का है? निहाल चंद्र के चित्रकार पिता कौन? सही जवाब बनेगा मूल राज। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। बनाओ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन साहब की स्क्रीन पे है, पूछा गया लखनऊ सिटी ड्राइंग। लखनऊ सिटी ड्राइंग जो 1964 की रचना है किस कलाकार ने बनाई? नाम मास्टर मोशाय का है, नाम के जी सुब्रमण्यम का है, नाम बी एस गोयतोंडे का है और नाम मदनलाल नागर का है। लखनऊ सिटी ड्राइंग 1964 की रचना है, कौन सा कलाकार बनाता है? सही जवाब बनेगा लखनऊ के कलाकार मदनलाल नागर। डी इज द राइट आंसर। बनाओ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है मित्रों, कह रहा है फतेह चंद, हुनर, मुराद, गोवर्धन, होनहार किस काल के चीते रहे? नाम दिया गया शाहजहां का काल, हुमायूं का काल, बाबर का काल, अकबर का काल। फतेह चंद, हुनर, मुराद, गोवर्धन, होनहार ये सब बढ़िया कलाकार हैं, ये सब के सब शाहजहां के काल के चित्रकार हैं। शाहजहां किसका पुत्र होता है? जहांगीर का होता है। आप जानते हैं फकीरुल्ला खान हो, समरकंदी हो, फतेहचंद हो, हुनर हो, गोवर्धन हो, विचित्र हो, होनहार हो, मोहम्मद हो, ये सब नाम जो आते हैं ये सब शाहजहां के काल के बढ़िया चितेरे माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया मित्रों काशीनाथ सालवे किस कला विद्यालय से जुड़े थे या किस कला विद्यालय में प्रोफेसर थे? नाम दिया गया जे स्कूल ऑफ आर्ट्स महाराष्ट्र में है, जयपुर कला विद्यालय में है, लखनऊ कला विद्यालय में है या फिर शांति निकेतन वाले कला विद्यालय में है? काशीनाथ सालवे का नाम जो जुड़ा हुआ है मित्रों जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से जुड़ा हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ इज द राइट आंसर्स। बनाओ अगले क्वेश्चन पे आओ मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है माया मृग, महाभारत, भिक्षा जैसी प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम सुधीर रंजन खास्तगीर का है, रामगोपाल विजयवर्गीय का है, मनीषी डे और रावणी बाबू का नाम दिया गया। माया मृग हो, महाभारत हो, भिक्षा हो, ये सब बढ़िया रचना है मित्रों, किसके द्वारा बनाई गई? सही जवाब रावणी बाबू ने बनाई। सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बर्फ पिघलते खेतों का दृश्य या फिर देवताओं का आवास या फिर जनाजा जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम जयाप्पा स्वामी का है, वीसी शान्याल का है, कव्वल कृष्ण और देव यानी कृष्ण का नाम दिया गया। बर्फ पिघलते खेतों का दृश्य, देवताओं का आवास, जनाजा जैसा बढ़िया बढ़िया चित्र जो बनाया गया कवल कृष्ण के द्वारा बनाया गया। सही जवाब वी के साथ बनाओ, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है कांटों का ताज, कांटों का ताज हो, कुमारियों का स्वर्गारोहण हो, जैसा बढ़िया चित्र के चित्रकार ने बनाया? नाम दिया गया टिर्सिया ने बनाया, टर्नर ने बनाया, रोफेल ने बनाया या फिर इनमें से कोई नहीं? कुमारियों का स्वर्गारोहण हो या फिर कांटों का ताज हो, बढ़िया चित्र है मित्रों, टिर्सिया के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया गेहूं के खेतों में कौवा जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम पाल सेंजान का है, पाल गुंगवा का है, विंसेंट वॉन गॉग और इनमें से कोई नहीं? नाम दिया गया गेहूं के खेत में कौवा जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? सही जवाब विंसेंट वॉन गॉग का होगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया अपने सशक्त रेखांकन के लिए बहुत प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नाम के कह बार का है, रमेश्वर ब्रूटा का है, के जी सुब्रमण्यम और मंजीत बाबा का नाम दिया गया। जो सही जवाब होगा सशक्त रेखांकन के लिए बहुत बढ़िया चित्रकार कृष्ण कैंटागिरी हेबार हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 जनवरी 2016 को 86 वर्ष की उम्र में बड़ोदरा में किसका निधन हुआ? नाम मनीषा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, जे राम पटेल और इनमें से कोई नहीं है? 18 जनवरी 2016 को 86 वर्ष की उम्र में बड़ोदरा में कौन सा कलाकार अंतिम सांस लेता है? जे राम पटेल लेते हैं। सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया सैयद हैदर रजा ने 1972 में बनाई गई पेंटिंग तपोवन, तपोवन को 2018 में क्रिस्टी की नीलामी में कितने में बेचा? नाम दिया गया 10 करोड़ बेचा, 19 करोड़ बेचा, 16 करोड़ बेचा या फिर 29.4 करोड़ में बेचा? सैयद हैदर रजा ने 1972 में बनाई थी कौन सी? तपोवन। 2018 में क्रिस्टी की नीलामी बिकती है मित्रों, 29.4 करोड़ में सैयद हैदर रजा की तपोवन बिकती है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है भाव मुद्रा
नृत्य भंगिमा गज लक्ष्मी जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? नाम विमान सुंदरम का है, सैलेना डे का है, जे राम पटेल और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। भाव मुद्रा नृत्य भंगिमा गज लक्ष्मी जैसा बढ़िया बढ़िया जो चित्र बना सैलेना डे ने बनाया, सही जवाब सी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, बारिश के दिन, यह अनजाना सफर, अनंत जीवन, चंद्रमा और कमल जैसा प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम असित कुमार हालधार का है, रवि वर्मा का है, मुकुल चंडे और गोवर्धन लाल का नाम दिया गया। बारिश के दिन हो या अनजाना सफर हो, अनंत जीवन हो, चंद्रमा और कमल हो, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं, असित कुमार हालधार ने बनाए हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपसे पूछ रहा है, विवश होकर के प्रेम करती हुई स्त्री, विवश होकर के प्रेम करती हुई स्त्री जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? नाम धनराज भगत का है, रणवीर सिंह का है, जीएम शेख और रामकुमार का नाम दिया गया है। अगर सही जवाब की बात करते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख ने विवश होकर के प्रेम करती हुई स्त्री को दर्शाने का काम किया, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया के जी सुब्रमण्यम की बेटी कौन है? नाम राधा है, मंगला है, जरीना है और उमा है। के जी सुब्रमण्यम की बेटी का नाम पूछा गया, उमा है, सही जवाब डी के साथ देना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन मित्रों कह रहा है, BHU जामिया मिलिया इस्लामिया और मैसूर विश्वविद्यालय ने किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है? नाम दिया गया मकबूल फिदा हुसैन को दी, पारितोष सेन को दी, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवेल को दी या फिर शांखु चौधरी को दी। मानद डॉक्टरेट की उपाधि मैसूर विद्यालय भी दे, जामिया मिलिया इस्लामिया भी दे और BHU भी दे, ऐसा कारनामा जो बहुत अच्छा कलाकार होगा। नाम मकबूल फिदा हुसैन है लेकिन बहुत ज़्यादा विवादित कलाकार भी रहे। लास्ट में इन्होंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, नग्न आकृतियाँ बनानी स्टार्ट कर दी, भारत माता को इन्होंने नग्न बनाया, इसलिए इनका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ। लास्ट में भारत भी इन्हें छोड़ना पड़ा, भारत की नागरिकता भी इन्हें छोड़नी पड़ी और 2011 में दुखद निधन इनका हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों कि राय राजा लोटस हो, मेघदूत हो, ऋतु संहार हो, ऐसे चित्र किसने बनाए? नाम DP राय चौधरी का है, अशित कुमार हालदार का है, ललित मोहन सोन और इनमें से कोई नहीं नाम दिया गया। ऋतु संहार, मेघदूत और राय राजा लोटस की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब अशित कुमार हालदार लगा लेते हैं, सही जवाब सी के साथ बना लेते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार माना जाता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, गोवर्धन लाल जोशी, सुखविंदर सिंह या फिर गोपाल घोष। भारत का प्रथम हो आधुनिक चित्रकार हो कौन है मित्रों? सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारिता की ओर आते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। मित्रों उम्मीद कह रहा है, दीपक जलता रहा रात भर, ये दीप श्रृंखला है मित्रों, ऐसी रचना किसने चित्रित की है? नाम दिया गया जगदीश गुप्त ने, तैयब मेहता ने, नंदलाल बोस या फिर जयराम के द्वारा इसे बनाया गया। दीपक जलता रहा रात भर, मित्रों ऐसी जो चित्र श्रृंखला तैयार की जाती है वो डॉक्टर जगदीश गुप्ता के द्वारा तैयार की जाती है, तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है, भारती खेर अपने पति डाडाडाड के साथ गुरुग्राम हरियाणा में निरंतर सृजनशील हैं। नाम दिया गया श्याम बिहारी अग्रवाल, नाम दिया गया सुबोध गुप्ता, कृष्ण खन्ना या फिर अतुल डोंडिया। मित्रों यही भारती खेर जो बिंदी से, जो महिलाएं श्रृंगार के लिए माथे पर लगाती हैं, वही बिंदी, उससे इन्होंने बहुत अच्छी श्रृंखला तैयार की। तो भारती खेर के पति का नाम आपको बताना है जो हरियाणा में साथ में रहती हैं। तो भारती खेर के जो हस्बैंड हैं उनका नाम सुबोध गुप्ता है, एक बढ़िया कलाकार होते हैं, सही जवाब आपको शी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है, दिल्ली में 1945 में जन्मे जय झरोटिया जी की शिक्षा कहाँ से हुई, ये पूछा गया। लखनऊ कला से, मुंबई कला से, दिल्ली कला से या फिर इनमें से कोई नहीं। जय झरोटिया की बात होती है, 1945 में इनकी शिक्षा हुई है कहाँ पे मित्रों? तो आप जानते हैं दिल्ली कला विद्यालय से हुई है, सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया, अनुसुनी चीखे एक कांस्य प्रतिमा है, किसने बनाई है? नाम दिया गया अमरनाथ सहगल ने बनाई, गुरचरण सिंह ने बनाई, महादेवी वर्मा ने बनाई या फिर बद्रीनाथ आर्या ने बनाई। अनुसुनी चीखे कांस्य प्रतिमा किसने बनाई मित्रों? जब अनुसुनी चीखे जैसी बढ़िया रचना की बात होती है तो अमरनाथ सहगल के साथ आपको आंसर्स भी लगाना चाहिए, फर्स्ट के साथ आंसर्स भी लगाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है आपसे पूछा जा रहा है, सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला महाविद्यालय लखनऊ में 1958 में प्रवक्ता किसे नियुक्त किया?
नाम दिया गया भारती खेर को प्रवक्ता नियुक्त किया, नित्यानंद महापात्रा को, कृष्ण खन्ना या फिर नसरीन मोहम्मदी को। सुधीर रंजन खास्तगीर ने 1958 में प्रवक्ता नियुक्त किया था, किसे? नित्यानंद महापात्रा को। सोचो डिग्री कॉलेज में सीधे प्रवक्ता नियुक्त हो गए थे नित्यानंद महापात्रा जी। सही जवाब सी के साथ लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से मित्रों कह रहा है 6 जनवरी 2020 को 91 वर्ष की आयु में किस कलाकार का कोयम्बटूर तमिलनाडु में निधन हो गया। नाम दिया गया कवल कृष्ण का, कृष्ण रेड्डी का, भूपेन खक्कर का या फिर अकबर पदमसी का। 6 जनवरी 2020 को 91 वर्ष की आयु में कौन सा कलाकार कोयम्बटूर में जो है अंतिम सांस लेता है। मित्रों अगर आपको ओरिजिनल आंसर्स देना है, सही जवाब देना है, तो आप अकबर पदमसी के साथ देना, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों तारों भरी रात ये 1889 की रचना है। पूछा गया किस कलाकार ने बनाया। नाम दिया गया पॉल गॉर्गिन ने बनाया, वान गो ने बनाया, सेजान ने बनाया या फिर टर्नर के द्वारा बनाया जाता है। तारों भरी रात जैसी बढ़िया रचना वान गो की रचना है, तो सही जवाब जो लगाइए वान गो के साथ लगाइए, शेष था राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाफ से पूछ रहा है मित्रों कि 19 जून 1940 को विकास भट्टाचार्य का जन्म कहाँ हुआ। नाम दिया गया कोलकाता में हुआ, कानपुर में हुआ, उड़ीसा में हुआ या फिर मुंबई में हुआ। 19 जून 1940 को विकास भट्टाचार्य जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। मित्रों जो सही जवाब बनेगा वो अपना कोलकाता बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ए के साथ सही जवाब लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अर्पिता सिंह का जन्म 1937 में पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था। नाम दिया गया शांति निकेतन में, फरगना में, 24 परगना में या फिर इनमें से कोई नहीं। अर्पिता सिंह की बात हो रही है, 1937 का सन दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है जन्म इनका कहाँ पर हुआ। मित्रों पश्चिम बंगाल में एक 24 परगना जिला है, वहीं पर इनका जन्म होता है, तो सही जवाब जो लगाइएगा वो 24 परगना के साथ लगाइएगा, सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 10 नंबर। कह रहा भूपेन खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 को कहाँ पर हुआ। नाम दिया गया महाराष्ट्र में, इंदौर में, दिल्ली में या फिर गोवा में। भूपेन खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 को कहाँ पर हुआ, तो भूपेन खक्कर का जो जन्म है महाराष्ट्र में हुआ है, सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों कह रहा है ईशा को कब्र में लिटाना या फिर युवक अंग्रेजों जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया था। नाम दिया गया रैफेल ने बनाया, टर्शियन ने बनाया, राम किंकर वैज का है या फिर इनमें से कोई नहीं। ईशा को कब्र में लिटाना या फिर युवक अंग्रेज जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है वो टर्शियन के द्वारा बनाया जाता है, तो सही जवाब टर्शियन के साथ देना, सी इज द राइट आंसर लगाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाफ से पूछ रहा है मित्रों घोड़े की नालबंदी और कॉस्मिक मैन, घोड़े की नालबंदी रचना और कॉस्मिक मैन रचना बढ़िया रचना है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है किस कलाकार ने बनाया। नाम दिया गया के एस कुलकर्णी ने बनाया, ए रामचंद्रन ने बनाया, के आचार्य ने बनाया या फिर धनराज भगत के द्वारा बनाया जाता है। घोड़े की नालबंदी और कॉस्मिक मैन, घोड़े की नालबंदी और कॉस्मिक मैन जैसी बढ़िया रचना जो बनाई जाती है मित्रों धनराज भगत के द्वारा बनाई जाती है, सही जवाब डी के साथ बनाएंगे, डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नववधू, मित्रों नववधू पूछा गया, झरने की आत्मा पूछा गया, ऋतुओं का नृत्य पूछा गया, यशोदा माँ पूछा गया, चंद्रमा और कमल पूछा गया, ये सब बढ़िया चित्र हैं, क्या शैलेंद्रनाथ डे ने बनाए, अशित कुमार हालधार ने बनाया, जैनुल आबदीन ने बनाया या फिर के एस कुलकर्णी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो अशित कुमार हालधार के साथ जाएगा, सही जवाब सी के साथ बनेगा, ठीक है। नववधू अच्छी रचना है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे पूछा गया मित्रों पत्थर तोड़ने वाले और द पेंटर्स स्टूडियो ऐसे प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम गुस्ताव कुर्बे का है, टर्नर का है, रेम्ब्रा का है और वर्से का है। पेंटर्स स्टूडियो की बात हो, पत्थर तोड़ने वालों की बात हो, बढ़िया रचना है मित्रों, ऐसी रचनाएं जो बनाई गई, ऐसे चित्र जो बनाए गए गुस्ताव कुर्बे के द्वारा बनाए गए, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। नेकचंद सैनी का देहांत चंडीगढ़ में 12 जून 1888 को हो गया। नेकचंद सैनी वही मित्रों जो आपके रॉक गार्डन के यानी चट्टानों के बगीचा के जन्मदाता है, तो इनका जो देहांत है यानी इनकी जो मृत्यु है वो 2020 में हुई, 1999 में हुई, 2015 या फिर 2006 में हुई, आपको सही जवाब देना है मित्रों। जो सही जवाब होगा 12 जून 2015 को उन्होंने अंतिम सांस ली है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम विश्वतार को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, 2016, 2006, 1998 या फिर 2010।
राम विश्वतार को पद्म भूषण कब दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। पद्म भूषण की अगर बात होती है 2016 दिया जाता है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया भारतीय नृत्य साधु तमाशा लोक नृत्य वीणा ऐसे बढ़िया चित्र किसने बनाए। नाम एन एस बेंद्रे का है, केहबार का है, सतीश गुजराल का है और गोपाल घोष का नाम दिया गया। भारतीय नृत्य जैसी बढ़िया रचना आपसे पूछी जा रही है, किसके द्वारा वो किया गया मित्रों? तो चाहे आपसे वो पूछ लेता तमाशा लोक नृत्य, चाहे आपसे पूछ लेता वीणा रचना, वो किसके द्वारा बनाया गया? केहबार के द्वारा। सही जवाब केहबार के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया मित्रों। विंटर माँ और शिशु डॉटर ऑफ द सॉयल ये सब प्रमुख मूर्त शिल्पी है किसने बनाया। नाम दिया गया खास्तिकी ने बनाया, उषी गांगुली ने बनाया, सैलोज मुखर्जी के हैं या फिर नंदलाल बोस के हैं। माँ और शिशु डॉटर ऑफ द सॉयल विंटर ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, जो बनाया गया सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा बनाया गया। तो आपको सटीक आंसर फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वुमेन ऑन पीकॉक, वुमेन ऑन पीकॉक और वाहन जैसी बढ़िया रचना किसके द्वारा बनाई गई। नाम दिया गया वुमेन ऑन पिकॉक और वाहन जैसी बढ़िया रचना राघव कनेरिया ने बनाई, मीरा मुखर्जी ने बनाई, मृणालिनी मुखर्जी ने बनाई या फिर हेनरी मोर की है। वाहन हो या फिर वुमेन ऑन पिकॉक हो, बढ़िया रचना है मित्रों मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा बनाया जाता है। आप जानते हैं मृणालिनी मुखर्जी एक अच्छी कलाकार रही। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अपने प्यारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कश्मीरी चित्रकार हैं। नाम दिया गया नंदलाल बोस हैं, जी एम शेख हैं, के अब्बर हैं या फिर लक्ष्मण पे हैं। मित्रों आप जानते हैं कश्मीरी चित्रकार के रूप में यहाँ पे गुलाम मोहम्मद शेख का नाम आता है। तो सही जवाब जी एम शेख के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों शामरी, शामरी नामक वास चित्रण किस कलाकार ने बनाया। नाम दिया गया मनु पारेख ने बनाया, नागजी पटेल ने बनाया, बद्रीनाथ आर्य या फिर सरबरी राय चौधरी के द्वारा बनाया जाता है। शामरी नामक वास चित्रण किसके द्वारा बनाया जाता है मित्रों? तो सही जवाब जो बनेगा वो बद्रीनाथ आर्य बनेगा, क्योंकि प्रख्यात जो है वास चित्रकार बद्रीनाथ आर्य है। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछा जा रहा है मित्रों? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कब्र खोदने वाला, कब्र खोदने वाला पूछे, चाहे आपसे पूछे गिरगिट और तितली। मित्रों कब्र खोदने वाला या गिरगिट और तितली जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया जाता है? तो नाम दिया गया ए रामचंद्रन ने बनाया है, लतिका कट ने बनाया, सुधीर रंजन पटवर्धन के द्वारा बनाया जाता है या फिर जयकृष्ण अग्रवाल की रचना है। मित्रों आप जानते हैं कब्र खोदने वाली बढ़िया रचना है और इसको जो है उकेरा गया है ए रामचंद्रन के द्वारा। तो गिरगिट और तितली को भी ए रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मित्रों 18 दिसंबर 2006 को 66 वर्ष की आयु में कोलकाता में कौन सा कलाकार का निधन हो गया। नाम दिया गया सुबोध गुप्ता, विकास भट्टाचार्य जी, रवि वर्मा या फिर गणेश पाइन। मित्रों आप जानते हैं कि 18 दिसंबर 2006 को 66 वर्ष की आयु में एक अच्छा कलाकार जो है दिवंगत हो जाता है, कलाकार का नाम विकास भट्टाचार्य होता है। तो सही जवाब जो बनता है वो सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूछा गया टू मैन इन बनारस पेंटिंग, ये टू मैन इन बनारस पेंटिंग जो है कितने करोड़ में बिकी है, जो भूपेन खक्कर के द्वारा बनाई जा रही है। आपसे नाम दिया गया टू मैन इन बनारस पेंटिंग 5.06 करोड़ में बिकी, 60.59 करोड़ में बिकी, 22.39 करोड़ में बिकी या फिर 19.17 करोड़ में बिकती है। मित्रों टू वुमेन इन बनारस पेंटिंग बढ़िया रचना है, भूपेन खक्कर यानी खक्करदा के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब जो बनेगा वो 22.39 करोड़ में बिकेगा। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलना है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कव्वल कृष्ण का निधन हुआ, कव्वल कृष्ण का निधन हुआ। नाम दिया गया 1999 1969 1900 या फिर 1993। मित्रों आपको बताना है कव्वल कृष्ण का निधन कब होता है, तो 1993 के आसपास इनका निधन होता है। सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, पूछा जा रहा है पठान अब्दुल्लाह के अधीन किस कलाकार ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। नाम दिया गया गुरचरण सिंह, एस जी राव, नंदलाल बोस या फिर कव्वल कृष्ण। पठान अब्दुल्लाह के अधीन किस कलाकार ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। नाम दिया गया मित्रों सभी आप जानते हैं एक जो है ब्लू पॉटरी के लिए बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, दिल्ली ब्लू पॉटरी को बहुत आगे ले जाते हैं, नाम होता है गुरचरण सिंह। तो सही जवाब आपका गुरचरण सिंह के साथ आंसर देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि 16 दिसंबर 1941 को पंजाब के धूरी शहर, कौन सा शहर, धूरी शहर में किस कलाकार का जन्म होता है। नाम दिया गया ज्योत्सना भट्ट, मंजीत बाबा, समीर मंडल या फिर ध्रुव मिस्त्री। मित्रों धूरी शहर में जो जन्म होगा वो होगा मंजीत बाबा का, तो सही जवाब आपको मंजीत बाबा के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर, बनाना होगा, सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा गया 1 मई 1970 को मठ गोविंद भोया में किस मूर्धन्य चित्रकार का जन्म हुआ। अवधेश मिश्रा, मनु पारेख, एन टैगोर, मृणालिनी मुखर्जी का नाम दिया गया। 1 मई 1970 को मठ गोविंद भोया में कौन सा मूर्धन्य कलाकार का जो है जन्म होता है। मित्रों अगर जन्म की बात आती है तो डॉक्टर अवधेश आते हैं, सही जवाब अवधेश मिश्र आएंगे, इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, पूछा गया दक्षिण भारत में जिप्सी ये किसकी अद्वितीय कृति होती है। मतलब दक्षिण भारत की जिप्सी जो है मकबूल खुदा हुसैन ने बनाई, राजा रवि वर्मा ने बनाई, ए एन टैगोर की है या फिर रामचंद्रन की है, आपको बताना है। दक्षिण भारत की जिप्सी जैसी बढ़िया रचना के लिए राजा रवि वर्मा काम करते हैं, तो सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ देना, सही जवाब इसी के साथ लगाना। याद रखना साधु और मेनका रचना इनकी बहुत अच्छी है, पंछी हंस इनकी रचना बहुत अच्छी है, पंछी झाड़ती हुई आपकी महिला बहुत अच्छी रचना है, ये सब रचनाएं इंद्रजीत का विजय हो बहुत अच्छी रचना मानी जाती है रवि वर्मा की। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपसे 10 नंबर पूछ रहा है, मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार हैं। नाम दिया गया पी वी जानकी रमन है, प्रदोष दास गुप्ता हैं, धनराज भगत हैं या फिर चिंतामणि कर हैं, सही जवाब क्या होगा। सही जवाब धनराज भगत के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है मित्रों कि ओरना का भोजन, ये ओरना का भोजन बढ़िया चित्र माना जाता है, किस कलाकार ने बनाया। वॉन गॉग ने बनाया, कोर्बे ने बनाया, गार्गिन ने बनाया, फिर सेजान ने बनाया। ओरना का भोजन जैसा बढ़िया रचना आपसे पूछा गया है, किसके द्वारा उकेरा जाता है। ओरना का भोजन जो बढ़िया रचना मानी जाती है, कोर्बे, गुस्ताव कोर्बे के द्वारा बनाया गया है, तो सही जवाब जो है उसी के साथ देना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ का दरबारी चित्रकार कौन था। नाम दिया गया मोइनेट थे, डेविन थे, कोर्बे थे या फिर गोया थे। स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ का जो दरबारी चित्रकार रहा है वो गोया रहे हैं, तो सही जवाब आप डी के साथ देना। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया मित्रों लामा मिला रेम्पा, बर्थ ऑफ लाइट, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, किस कलाकार ने बनाया। नाम कव्वल कृष्ण का है, भूपेन खक्कर का है, देवयानी कृष्ण का है और अतुल डोंडिया का नाम दिया गया। लामा मिला रेम्पा और बर्थ ऑफ लाइट जैसी बढ़िया रचना के लिए कौन सा कलाकार का नाम आता है। सही जवाब कव्वल कृष्ण के साथ जाता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर्स लगाइए मित्रों। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया फतेहपुर सीकरी और आगरा ये दोनों के दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है। ये भी हैवेल का है, मुराद का है, राल्फ फिच का है या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों के दोनों जो है लंदन से बड़े हैं, ऐसा कथन जो दिया गया वो राल्फ फिच के द्वारा दिया गया, तो सही जवाब जो है बी के साथ बनाइए, बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार रांझा काम गौड़ निक्का किस कलाकार के पुत्र थे। नाम दिया गया बसावन के पुत्र, नैंसो के पुत्र, केशो के या फिर निहाल चंद के, किसके पुत्र हैं मित्रों। तो याद रखना रांझा हो, काम हो और गौड़ निक्का हो, ये सब के सब जो है नैंसो के पुत्र रहे हैं, वही नैंसो जो गुलेर शैली का बहुत अच्छा चुतेरा रहा है, गुलेर शैली का बहुत अच्छा चुतेरा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मित्रों राजपूत पेंटिंग लंदन, ये राजपूत पेंटिंग लंदन जो 1948 की पुस्तक है किसने लिखी थी। नाम दिया गया एके स्वामी ने लिखी, राय कृष्णदास ने लिखी, वचस्पत गोरिल्ला ने लिखी या फिर कर्नल टाट के द्वारा लिखी जाती है। राजपूत पेंटिंग लंदन, राजपूत पेंटिंग लंदन बढ़िया रचना मानी जाती है और वचस्पत गोरिल्ला के द्वारा लिखी जाती है, तो सही जवाब जो है वो बी के साथ जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जाता है कमला इलायची जैसी बढ़िया महिला चितेरी कहाँ की है। नाम दिया गया तंजौर की है, नाथद्वारा की है, पहाड़ी की है या फिर कंपनी शैली की है। कमला और इलायची जैसी बढ़िया महिला चितेरी जो आती मित्रों वो नाथद्वारा शैली की आती हैं, तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है कि मीरा का मेवाड़ चित्र और जो है चित्रलेखा जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम दिया गया जय महवासी ने बनाया, सैलेना डे ने बनाया, ललित मोहन सेन ने बनाया या फिर राम किंकर वैज के द्वारा मीरा का मेवाड़ त्याग उकेरा गया। मित्रों जब मीरा के मेवाड़ त्याग की बात होती है तो जगन्नाथ मुरलीधर अहवासी का नाम आपको याद होना चाहिए, सही जवाब जो है वो फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन साहब की स्क्रीन पे रहा, पूछा गया मित्रों कि अनजाना सफर सह अस्तित्व जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया, चाहे सह अस्तित्व पूछ लेता चाहे अनजाना सफर पूछ लेता, बढ़िया चित्र है मित्रों, रामकिंगर वैज ने बनाया, सैयद हैदर राजा ने बनाया, देवयानी कृष्ण का है या फिर अशित कुमार हालदार का है। अनजाना सफर और सह अस्तित्व जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया जाता है, तो सही जवाब अशित कुमार हालदार होगा, सही जवाब डी के साथ होगा, डी इज द राइट आंसर। लगाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये मित्रों, पूछा गया सिल्वेराड ने 1907 में किस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज की, नाम दिया गया बेल्लारी, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। आप जानते हैं मित्रों कि सी एस सिल्वेराड ने 1907 के आसपास जो है यूपी का बांदा में एक खोज किया था, सही जवाब जो है वो बांदा के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे कह रहा है कि 13 मार्च 1952 को 24 परगना बंगाल में किस कलाकार का जन्म हुआ, नाम नंदलाल का है, समीर मंडल का है, अशित कुमार हालदार और भारती खेर का नाम दिया गया। 24 परगना में कौन से कलाकार का जन्म हुआ है आपको ये बताना है, क्वेश्चन सभी जस्ट आपने एक बार सॉल्व किया है, सही जवाब समीर मंडल के साथ जाएगा, सही जवाब शी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूछा गया मित्रों काला संगमरमर में 122 × 91.5 × 221 सेंटीमीटर की नदेश्वर प्रतिमा किस कलाकार ने बनाई, नाम दिया गया बलबीर सिंह कट ने बनाई, सरवरी राय चौधरी ने बनाई, के अब्बार ने बनाई या फिर नित्यानंद महापात्रा के द्वारा नदेश्वर की काला संगमरमर में इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई, सही जवाब होगा बलबीर सिंह कट ने बनाई है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सिलेंडर सील का संबंध है, नाम दिया गया मिस्र की कला से, भारतीय कला से, मेसोपोटामिया कला से या फिर ईरान की कला से। सिलेंडर सील की जब बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं सिलेंडर सील का जो संबंध होता है मेसोपोटामिया की कला से होता है, सही जवाब हम लोग बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर है, कह रहा है 30 मार्च 1946 को 1946 को फ्रांसिसी गोया का जन्म किस देश में हुआ, जर्मनी में, भारत में, पेरिस में या फिर स्पेन में। फ्रांसिस गोया का जन्म 30 मार्च 1746 को फ्रांसिस गोया का जन्म कहाँ पे हुआ, सही जवाब स्पेन के साथ जाएगा, सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कलाकार कला अध्ययन के लिए घर में लाश से रखता था, नाम दिया गया ताओदारो जेरिको, गोया, टर्नर या फिर कांस्टेबल। कौन सा कलाकार ऐसा रहा है जो घर में कला के अध्ययन के लिए लाश से रख लेता था मरी हुई जो है शरीर को, नाम दिया गया ताओदोर जेरिको। जेरिको ऐसा काम करता था लाश रख करके उस पर कला का अध्ययन करता था, सही जवाब फर्स्ट साल लगाना। अगले क्वेश्चन पे आना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों कि 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की उम्र में मोंगिस फ्रांस में किस कलाकार का निधन हो गया, मोंगिस फ्रांस में कौन सा कलाकार, सर्वेराडी साई सल्वाडोर डाली का, पिकासो का, जिमडाइन का या फिर टर्नर का, कौन सा कलाकार 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की आयु में शांत हो जाता है, सही जवाब पाब्लो रुई पिकासो का होगा, सही जवाब सी के साथ जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर आप लगाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछ रहा है, सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला प्रिंट करने को किसका काम रहा, मीरा मुखर्जी का, चिंता मणिकर का, सोमनाथोर का या फिर इनमें से कोई नहीं। सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला प्रिंट करने का काम किसका रहा है, तो सफ़ेद पर सफ़ेद जैसी बढ़िया श्रृंखला जो तैयार की गई मित्रों उस पर जो काम किया गया वो सोमनाथोर के द्वारा किया गया, सही जवाब सोमनाथोर के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। परसेप्शंस ऑफ उदयपुर श्रृंखला के चित्रों को किसने बनाया, नाम मंजीत बाबा का है, राइफल का है, मास्टर मोशाय का या फिर पीएन चोयल का, नाम दिया गया परसेप्शंस ऑफ उदयपुर। परसेप्शंस ऑफ उदयपुर जो श्रृंखला तैयार की गई मित्रों वो परमानंद चोयल के द्वारा तैयार की गई, तो सही जवाब जो बनाइए वो आप डी के साथ बनाइए, डी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए रामचंद्रन के जापानी गुरु का नाम बताओ, फुको अकिनो रहे, श्वेरा रहे, डाली रहे या फिर रेजेंटो रहे। आप जानते हैं ए रामचंद्रन के जो जापानी कला गुरु रहे हैं उनका नाम फुको अकिनो रहा, तो सही जवाब फुको अकिनो के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा बढ़िया रचना है, किसने, नीरज मजुमदार ने बनाया, वान गोग ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया फिर भावेश सान्याल के द्वारा बनाया जाता है। तो मित्रों जब आप सही से देखेंगे तो कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा जो बनाया जाता है भावेश सान्याल के द्वारा बनाया जाता है, तो सही जवाब जो है वो डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे कह रहा है एग ब्राइड की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई, नाम दिया गया प्रयाग झा ने बनाई, बीसी दूसरी ने बनाई, प्रदोष दास गुप्ता या फिर तैयब मेहता के द्वारा बनाया गया। एग ब्राइड की अगर बात होती है मित्रों प्रदोष दास गुप्ता के साथ आंसर जाएगा आपका, बी के साथ आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया
पहली भारतीय कलाकार जिसके कार्यों को 1986 में सिडनी बियनेला में प्रदर्शित किया गया था। नाम को बालकृष्ण का है, जितेंद्रनाथ बनर्जी का है, समीर मंडल का है, मृणाली मुखर्जी का भी दिया गया। 1986 में सिडनी बियनेले में प्रदर्शित किया गया हो, पहला भारतीय कलाकार हो, उसके कार्यों को कहाँ पर ऐसा दर्शाया गया, तो मित्रों उस कलाकार का नाम मृणाली मुखर्जी होता है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर, लगाना पड़ता है, सही जवाब डी के साथ बनाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कि विजय स्तंभ जो 122 फीट लंबा है, इसका वास्तुकार कौन था? जैता थे, हामिद लाहौरी थे, मंसूर थे या फिर लुटियंस थे? मित्रों विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है, इसका जो वास्तुकार होता है जैता होता है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, चार नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द रियलिटी ऑफ विजन मिक्सड मीडिया में किसने चित्रित किया? नंदलाल ने, डीपी रायचौधरी ने, राजीव लोचन ने या फिर रामेंद्रनाथ ने? द रियलिटी ऑफ विजन जैसी बढ़िया रचना राजीव लोचन के द्वारा बनाई गई है, याद रखना मिक्स्ड मीडियम में है, तो सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन पाँच नंबर है, आपसे पूछा गया मित्रों भारत का पहला पतंग संग्रहालय कहाँ स्थापित है? नाम दिया गया गोवा में, अहमदाबाद में, मुंबई में या फिर पटना में? भारत का पहला जो पतंग संग्रहालय मित्रों वो आपका गुजरात वाला बेल्ट आता है, सही जवाब अहमदाबाद होगा, सी के साथ आंसर्स बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स आप लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस मित्रों आपसे कह रहा है हेमंत शेष की प्रसिद्धि किस रूप में है? नाम दिया गया कला समीक्षक, मूर्तिकार, राजनेता या फिर चित्रकार? हेमंत शेष की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो हेमंत शेष जो है कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा, ए के साथ आंसर सहजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सात नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया मित्रों प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड है, इसके चित्रकार कौन है? मदन लाल नागर है, रामचंद्रन है, कृपाल सिंह है या फिर जतिन दास? ग्रीन लोटस पॉन्ड की अगर बात होती है, ग्रीन लोटस पॉन्ड बढ़िया रचना है, ए रामचंद्रन के द्वारा बनाई गई है, सही जवाब फर्स्ट के साथ नहीं, सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आठ नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है कला कल्पना की अभिव्यक्ति है? नाम दिया गया रस्किन, हार्वर्ड रीड, शैली या फिर सतपथ? कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ऐसा कथन किसका है मित्रों? तो ऐसा जो है कहा जाता है शैली में, सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नौ नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों मणिकुट्टियम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? नाम दिया गया सीमेंट का, संगमरमर का, लकड़ी का या फिर रंग का? मणिकुट्टियम में किस वस्तु का प्रयोग किया गया, तो वस्तु का जो नाम आता है वो संगमरमर का आता है, सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है मित्रों किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाया? नाम दिया गया बूंदी में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर कंपनी में? कौन सी शैली में सबसे ज़्यादा मुसलमान चित्रकारों ने काम किया, तो आपका बीकानेर शैली होता है, सही जवाब आपका बी के साथ जाता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे कह रहा है कि पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? नाम दिया गया खजुराहो का, महाबलीपुरम का, एल्लोरा का या फिर लिंगराज मंदिर का? पल्लव कला में जो है महाबलीपुरम, हाँ बिल्कुल, पल्लव कला का जो विकास आता है वो महाबलीपुरम में खूब ज़्यादा हुआ, यानी पल्लव कला का विकास, यानी पल्लव काल महाबलीपुरम को खूब ज़्यादा विकसित करने के लिए आगे बढ़ा, सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया यूपी में स्थित वह पहला विश्वविद्यालय जिसमें एमएफ हुसैन का कोर्स शुरू किया गया? नाम दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? ऐसा काम जो किया गया मित्रों एमएफ हुसैन का कोर्स, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया, सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा जा रहा है मित्रों कुमारियों का सिंहासनारोहण, कुमारियों का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है? नाम दिया गया पिकासो का है, राइफल का है, बिंजी का है या फिर आंद्रिया आर्केना का है? मित्रों कुमारियों का सिंहासनारोहण, आपसे पूछा गया कुमारियों का सिंहासनारोहण चित्र किसका है, आंद्रिया आर्केना का नाम आना चाहिए, सही जवाब डी के साथ जाना चाहिए, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन चार नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों कानून राम शर्मा किस कलाकार के आरंभिक शिक्षा गुरु रहे, यानी आरंभिक शिक्षा के गुरु रहे? नाम दिया गया कृष्ण रेड्डी के गुरु रहे, कानूनराम शर्मा, परमानंद चोयल के रहे, मंजीत बाबा के रहे या फिर भूपेन खक्कर के रहे? कानूनराम शर्मा की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं कानूनराम शर्मा परमानंद चोयल के कला गुरु रहे, सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया मित्रों मोटी और नाटी मानव आकृति की शैली की विशेषता है? नाम दिया गया किशनगढ़ की, अजंता की, बूंदी की या फिर मेवाड़ की? मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ जैसे आती हैं आप लोग मेवाड़ के साथ आंसर लगाते हैं, सही जवाब डी के साथ बनाते हैं, डी इज द राइट आंसर होता है।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया मित्रों पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा। नाम दिया गया जैन धर्म रहा, हिंदू धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा या फिर ईसाई धर्म रहा। पाल शैली की अगर बात होती है बंगाल वाला होता है, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़ाव रहा है, सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया मित्रों कल्याण सुंदर मूर्ति जो शिव और पार्वती के दाम्पत्य जीवन में दर्शाया गया कहाँ स्थित है, एलिफेंटा में, बाघ में, एलोरा में या फिर अजंता में। कल्याण सुंदर वाली मूर्ति आप जानते मित्रों धारापुर एलिफेंटा में है, तो सही जवाब आपके फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा गया भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफाओं में आरंभ होता है। नाम दिया गया अजंता में, बादामी में, जोगीमारा में या फिर बाद में। भित्ति चित्रों का जो निर्माण है मित्रों सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, सही जवाब आपका जोगीमारा बनेगा, सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, तो बी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया नौलखा मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया। नाम दिया गया सोलंकी, सातवाहन, मौर्य और शुंग का नाम दिया गया। नौलखा मंदिर की बात होती है 9 लाख रुपये में तैयार होता है, सही जवाब सोलंकी शासक के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया मित्रों हाशिया बना करके चित्रण करना किस शैली का प्रभाव रहा है। नाम राजपूत शैली का है, जैव शैली का है, फारसी शैली का है, फिर इनमें से कोई नहीं। हाशिया बना करके चित्रण करना कौन सी शैली की विशेषता रही है, सही जवाब आपकी फारसी शैली होगा, सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है मित्रों द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है। नाम दिया गया एके स्वामी है, हेनरी मूर है, काल खांडलावाला है या फिर स्टेला कैम्ब्रिज है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जैसी बढ़िया रचना काल खांडलावाला की है, सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे पूछ रहा है भारत भवन कहाँ अवस्थित है। नाम दिया गया बनारस में है, भुवनेश्वर में है, भोपाल में है, फिर नई दिल्ली में है। भारत भवन की अगर बात होती है मित्रों आप जानते हैं भारत भवन भोपाल में है, जबकि भारत कला भवन जब जुड़ जाता है तो बनारस में हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों नग्न जीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। समरांगण, सूत्रधार, हर्षचरित, चित्र सूत्र या फिर चित्रलक्षणम। नग्न जीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, नग्न जीत ने जो ग्रंथ लिखा मित्रों उसका नाम चित्रलक्षणम होता है, सही जवाब डी के साथ लगेगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र कौन सा प्रतीक बताता है, मौन का, निरंतर गति का, मध्य गति का या फिर अस्थाई भाव का। अगर चक्र की बात आती है मित्रों तो चक्र आप जानते हैं 24 तीरियों से बना हुआ है, नीले रंग का है और ये आपका निरंतर गति दर्शाता है, सही जवाब सी के साथ बनाइए, सी इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया लाजवर्द यानी लापिस लाजुली रंग क्या होता है। नाम दिया गया प्रखर लाल है, चमकीला हरा है, तीव्र नीला है या फिर मटमैला लाल है। लाजवर्द या फिर लापिस लाजुली की अगर बात होती है, सही जवाब आपका तीव्र नीला बनेगा, सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े। नाम दिया गया बॉम्बे ग्रुप से, दिल्ली शिल्पी चक्र से, पैक से या फिर प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन से। पाकिस्तान से आया विस्थापित कलाकार कौन सी संस्था से जुड़ते हैं, उस कलाकार का जो नाम होता है वो मित्रों दिल्ली शिल्पी चक्र के साथ ज़्यादातर जुड़ते हैं, तो सही जवाब आपका दिल्ली शिल्पी चक्र होगा, सी के साथ आंसर जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर पूछा जा रहा है, दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापक थे। नाम दिया गया सतीश गुजराल, के हब्बार, एन एस बेंद्रे या फिर भीषी सान्याल। मित्रों दिल्ली शिल्पी चक्र की अगर बात होती है आप जानते हैं भावेश सान्याल को द्वारा स्थापित किया गया, तो सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दादाबाद का दादा शब्द चुना गया है। नाम दिया गया जान केस्टो के द्वारा, लिंडसे ग्राहम के द्वारा, ट्रांस जारा के द्वारा या फिर फ्राइड कोहला के द्वारा। मित्रों आप जानते हैं दादाबाद में जो दादा शब्द आता है उसका जो यूज किया जाता है वो ट्रेंस्टा जारा के द्वारा किया जाता है, तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे है 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है प्रख्यात चित्र बैल, बैल के चित्रकार हैं। नाम दिया गया एन एस गोयतांडे हैं, सायंते दिवे हैं, के एस कुलकर्णी हैं या फिर राघव कनेरिया हैं। बैल के चित्रकार आपको बताना है मित्रों, बैल के चित्रकार के एस कुलकर्णी हैं, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। नाम दिया गया बाबर का, जहांगीर का, अकबर का या फिर शाहजहां का। मुगलिया चित्रकला का स्वर्ण युग आपसे पूछा गया, चित्रकला का स्वर्ण युग आप जानते हैं मित्रों जहांगीर का काल होता है, तो सही जवाब जो बनेगा वो जहांगीर के साथ बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछ रहा है, जैक्सन पोलार, कह रहा है मित्रों जैक्सन पोलार का जन्म 28 जनवरी 1888 को अमेरिका के कोड़ी शहर में हुआ था। नाम दिया गया 1937 में, 1899 में, 1912 में या फिर 1950 में। जब जैक्सन पोलार की बात आती है मित्रों 1912 आंसर बनता है, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। नाम दिया गया तान होता है, रंग होता है, वस्तु होता है या फिर वातावरण और प्रकाश होता है। जब प्रभाववाद की बात आती है मित्रों तो प्रभाववादी चित्रकार जो काम करते हैं वो वातावरण और प्रकाश पे करते हैं, सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर आपको लगाना होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मिर्जा नसीरुद्दीन बेगम मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम डाडाडाट से जाना जाता है, हुमायूं से, जहांगीर से, शाहजहां से या फिर अकबर से। सलीम शब्द दिया गया मित्रों, आप जानते हैं सलीम वही जो चित्रकला का स्वर्ण युग होता है यानी जहांगीर का होता है, तो सही जवाब आपको शी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अल्तामीरा की गुफाएं किस जानवरों के चित्रों से अधिक दिखाई पड़ती है, नाम दिया गया बैल से, भालू से, हाथी से या फिर जंगली भैंसा से। अल्तामीरा की गुफाओं में जो सबसे ज्यादा दृश्य दिखाई देता है मित्रों, जंगली भैंसा का दिखाई देता है, जिसे बाइसन भी कहा जाता है। कई जगह आपको बाइसन नाम दिखाई देगा, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है, नाम दिया गया पाषाण शिल्प में, ताम्रमोहर में, भित्ति चित्र में या फिर टेराकोटा शिल्पी में। बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है मोहनजोदड़ो में किस रूप में दिखाई देती है, तो आपका टेराकोटा शिल्पी होता है, सही जवाब आपका डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है, नाम देगा प्रागैतिहासिक है, अपभ्रंश शैली है, जनता शैली या फिर बंगाल शैली। राजस्थानी चित्र का जो मूल स्रोत माना जाता है मित्रों, वो आपका माना जाता है अपभ्रंश शैली, तो सही जवाब बनेगा सी के साथ, सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा गया मित्रों बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है, नाम दिया गया पंजाब में है, राजस्थान में है, मुंबई में है, फिर दिल्ली में। बसोहली के चित्र कौन से संग्रहालय में दिखाई देते हैं मित्रों, तो संग्रहालय आपका पंजाब का होता है, सही जवाब आपका फर्स्ट आ जाएगा। यही बसोहली जो लोक कला पे आधारित शैली होती है, याद रखना है, लोक कला पे आधारित शैली बसोहली शैली। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों जान वान आईक किस कलात्मक कला के कलाकार रहे हैं, पुनर्जागरण काल के, प्रभाववाद के, व्यंजटायन के या फिर घनवाद के। जान वान आईक की अगर बात होती है मित्रों, आप सही जवाब जाते हैं, सही जवाब आ रहा है पुनर्जागरण काल, और एकदम सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है मित्रों किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली के चित्र बनाए, नाम दिया गया नंदलाल बोस बनाए, रामगोपाल विजयवर्गीय बनाए, केन मजूमदार बनाए या फिर राजा रवि वर्मा बनाए। कौन सा भारतीय कलाकार है जिसने भारतीय विषयों पर यूरोपीय चित्रण की शैली में काम किया, तो सही जवाब आपका राजा रवि वर्मा होगा, सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। कह रहा है चित्रण की दृष्टि प्रभाव का महत्व देना है, अंतराल, अंकन, प्रभाविता या फिर एकता। दृष्टि प्रभाव, चित्रण की दृष्टि से दृष्टि प्रभाव कैसे आता है, प्रभाविता से आता है, सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है झरनावास तकनीकी, आपसे पूछा जा रहा है क्या झरना, ये वास तकनीकी बुलफाइट जैसी बढ़िया रचना किस कलाकार ने बनाया, नाम दिया गया उतार सिंह पवार ने बनाया, अशोक गौड़ ने बनाया, फिर राजीव सागरा या फिर सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया। झरना और बुलफाइट जैसी बढ़िया रचना उतार सिंह पवार के द्वारा बनाई गई, तो सही जवाब उतार सिंह पवार लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, 23 अप्रैल को, 27 मार्च को या फिर 21 नवंबर को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, सही जवाब 23 अप्रैल होगा, सही जवाब शी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों डिस्पेयर, लेजरियस, ट्री ऑफ लाइफ, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाया, सतीश गुजराल ने, गणेश फाइन ने, अकबर पदमसी या फिर लक्ष्मण पे। आपको बताना है डिस्पेयर, लेजरियस, ट्री ऑफ लाइफ, ये सब बढ़िया चित्र हैं मित्रों, सही जवाब बनता है सतीश चंद गुजराल के द्वारा बनाया गया, तो सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों मैना और नारी का चित्रण किस काल का है, नाम दिया गया बीजापुर का है, कंपनी का है, गोलकुंडा का है या फिर अहमदनगर का है। मैना और नारी जैसा बढ़िया चित्र आपसे पूछा गया, तो गोलकुंडा के लिए आंसर्स लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया विरह व्याकुल रानी नंद की कथा जैसा प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है, 16वीं, 26वीं, 11वीं या फिर दूसरी। मित्रों विरह व्याकुल रानी का चित्र जो है वो अजंता में है, अजंता में 30 गुफाएं पाई जाती हैं, आप जानते हैं 11वीं नंबर गुफा में आपकी विरह व्याकुल रानी का चित्र दिखाई देता है, तो सही जवाब वी के साथ लगाइए, वी इज द राइट आंसर बनाइए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कह रहा है लच्छी राम, रघुनाथ, गोविंद राम तथा नूर मोहम्मद जैसे प्रसिद्ध कलाकार कौन से शैली के हैं, कांगड़ा के, कोटा के, गुलेर के या फिर जयपुर के। तो लच्छी राम, रघुनाथ, गोविंद राम और नूर मोहम्मद जैसे बढ़िया कलाकार जो माने जाते हैं, ये सब कोटा शैली के बढ़िया कलाकार हैं, सही जवाब कोटा शैली लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों मुगल स्थापत्य का संस्थापक यानी जन्मदाता कौन था, नाम दिया गया हुमायूं थे, औरंगजेब थे, शाहजहां थे या फिर बाबर थे। मुगल स्थापत्य का संस्थापक आपसे पूछा गया, सही जवाब आपको बाबर के साथ देना है, सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया अकबर के समय का श्रेष्ठ गुजराती चित्रकार था, बसावन, दसवंत, केशव या फिर नाना। अकबर के समय का श्रेष्ठ गुजराती चित्रकार कौन था मित्रों? सही जवाब बनेगा वो केशव के साथ बनेगा, सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, आपसे पूछा जा रहा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? एर्नी ओर्नो को दिया गया, डेविड जूलियस को दिया गया, मारिया सरेसा को दिया गया, फिर अशोक भौमिक को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं एर्नी ओर्नो को दिया गया, सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि गजेंद्र मोक्ष का अंकन एलोरा की कौन सी गुफा में है? नाम दिया गया 10वीं में है, 16वीं में है, 15वीं में है, फिर 29वीं में है। गजेंद्र मोक्ष का अंकन आपको एलोरा में कहां दिखाई देता है? सही जवाब बनता है 15वीं गुफा में दिखाई देता है, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। मित्रों अब आप ओवरऑल बताइए कि आपका ये जो क्लास नंबर 11 हुआ जिसमें आपने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे, कितने 100 MCQs टाइप के क्वेश्चंस देखे, इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, ईमानदारी के साथ बताना, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में आया अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया एक बार और समझने का प्रयास करिएगा, क्लास देखने का प्रयास करिएगा, सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।